द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, नई अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त आमदनी का अस्थायी स्रोत कैसे बनाएं, बर्क हेसेज, अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर dreambiz.com के लेखक। आप भी मिलेनियर बन सकते हैं। प्रिय पाठक, 100 साल पहले आम आदमी का मिलेनियर बनना लगभग असंभव था। 20वीं सदी के मोड़ पर जीवन शैली के इन आंकड़ों पर नज़र डालें। 1900 में अमेरिका में औसत वेतन 22 सेंट प्रति घंटे था। आम कर्मचारी हर साल 200 से 400 डॉलर के बीच कमाता था, यानी गरीबी रेखा से काफ़ी कम। सिर्फ 6% अमेरिकी हाई स्कूल पास थे। औसत जीवन काल 47 साल था। सिर्फ 14% घरों में बाथटब था। अमेरिका में कुल 8000 कारें थीं और केवल 144 मील पक्की सड़कें थीं। प्रथम विश्व युद्ध तक औसत अमेरिकी परिवार अपनी 80% आमदनी रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी आवश्यकताओं पर खर्च करता था। सारांश में कहें तो 100 साल पहले बुनियादी तौर पर दो ही आर्थिक वर्ग थे, अमीर और बाकी लोग। 10% परिवारों में से केवल एक ही उच्च वर्गीय या मध्य वर्गीय था। इसका मतलब है कि सन 1900 में अमेरिका में 90% लोग गरीब की श्रेणी में आते थे। मध्य वर्ग अब भी वेतन से वेतन तक नहीं जा रहा था। 100 साल आगे बढ़कर 2001 तक आए। आज मीडियन परिवार आय 47,000 डॉलर है। अमेरिका में जितने लोग हैं उससे ज़्यादा कारें हैं। ज़्यादातर परिवारों के पास कम से कम 2 टीवी हैं। औसत जीवन काल 75 साल है। आज हम लोगों के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल यानी ज़रूरत से ज़्यादा आय है, ज़्यादा खाली समय है और करियर के पहले से ज़्यादा विकल्प हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के 72 मिलियन परिवारों में से ज़्यादातर एक मासिक वेतन से दूसरे मासिक वेतन तक जी रहे हैं। पारिवारिक घर, कारों और फर्नीचर को हटा दें तो औसत परिवार के पास कोई संपत्ति नहीं है, शून्य संपत्ति। हालांकि पारिवारिक आमदनी बढ़ी है, लेकिन पारिवारिक कर्ज और काम के घंटे भी बढ़ गए हैं। इस तस्वीर में क्या गलत या क्या गड़बड़ है? क्या आप गलत सिस्टम में काम कर रहे हैं? इसमें गड़बड़ यह है कि बहुत सारे लोग गलत योजना पर चल रहे हैं। वे गलत सिस्टम से जुड़ गए हैं और उनके पास इस बात की बुनियादी समझ नहीं है कि दौलत कैसे बनाई और जोड़ी जाती है। मैं एक साहसिक कथन कहने जा रहा हूँ जिससे आपको सदमा लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह 16 आने सच है। सुनने के लिए तैयार हैं? लाग लपेट के बिना सीधे सीधे कहता हूँ, हकीकत यह है कि आज मिलेनियर बनना संयोग का नहीं, चयन का मामला है। आपने सही सुना, आज मध्यवर्गीय आय कमाने वाला हर व्यक्ति मिलेनियर बन सकता है? असंभव, कतई नहीं। दरअसल यह काफ़ी आसान है। आज अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हैं तो आपको बस ये 3 कदम उठाने की ज़रूरत है। पहला, यह समझें कि दौलत कैसे बनाई और जोड़ी जाती है। दूसरा, दौलत बनाने के आजमाए हुए सिस्टम की नकल करें। तीसरा, यह काम निरंतर करते रहें। बस यही, सिर्फ ये 3 कदम उठाकर ही आम लोग 1 मिलेनियर डॉलर की संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं और मिलेनियर बन सकते हैं। समझना, नकल करना और निरंतरता। आप इस पुस्तक से क्या सीखेंगे? इस पुस्तक से आप आजमाई हुई रणनीतियाँ सीखेंगे। इन रणनीतियों का इस्तेमाल करके आम लोग अपने आप, अपने तथा अपने परिवार के लिए सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। इन रणनीतियों पर अमल करना आसान है। ये समय के इम्तिहान में भी खरी उतरी है और इनकी बदौलत पिछले 50 सालों में लाखों लोग मिलेनियर बने हैं। दोस्तों, मिलेनियर बनना अब खुशकिस्मती पर निर्भर नहीं करता, यह तो सिर्फ सीखने और दौलत बनाने की आजमाई हुई रणनीतियों के अनुसरण पर निर्भर करता है। बेस्ट सेलिंग पुस्तक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर के अनुसार बहुसंख्यक मिलेनियर रॉकेफेलर या वंडरबिल्ट्स के वंशज नहीं हैं। 80% से ज़्यादा मिलेनियर सामान्य लोग हैं जिन्होंने अपनी दौलत एक ही पीढ़ी में इकट्ठी की है। इस बारे में सोचें, 80% से ज़्यादा मिलेनियर सामान्य लोग हैं। यह आंकड़ा मेरी कही हुई
बात को साबित करता है। आज मिलेनियर बनना संयोग का नहीं चयन का मामला है। इस पुस्तक का लक्ष्य आपको वे रणनीतियाँ सिखाना है जिनका इस्तेमाल करके दौलतमंद लोगों ने दौलत बनाई और इकट्ठी की है। पहले इन रणनीतियों का इस्तेमाल केवल विशेषाधिकार वाले चंद लोग ही कर सकते थे। अगर आपको सन 1900 में ये रणनीतियाँ पता भी होती तो भी आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उनका लाभ लेने के लिए आपके पास संभवतः नगद पैसे या उचित संपर्क नहीं होते। आज वह बात नहीं है, आज स्थिति बदल चुकी है। आज बेहतर प्रौद्योगिकी की बदौलत, मध्यवर्गीय वेतन बढ़ने की बदौलत और ई कंपाउंडिंग यानी ई चक्रवृद्धि नामक नवाचारी बिजनेस मॉडल की बदौलत हाई स्कूल या उससे ज़्यादा की शिक्षा वाला लगभग कोई भी मध्यवर्गीय व्यक्ति अपने धन, समय और संबंधों की लिवरेजिंग करके व्यक्तिगत व वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। इस पुस्तक में बताई रणनीतियों का अनुसरण करके आप भी मिलेनियर बन सकते हैं। मिलेनियर क्लब में आपका स्वागत है। भवदीय बर्क हेसेज, द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। हर उस व्यक्ति को जिसके पास पाइपलाइन बनाने की बुद्धिमत्ता है और यह ज्ञान दूसरों को देने की इच्छा है। आभार। जब मैं डॉक्टर स्टीव प्राइस के बारे में सोचता हूँ तो अनुशासन, संकल्प, एकाग्रता और धैर्य वे शब्द हैं जो दिमाग में आते हैं। वे इन पांडुलिपि की सफल पूर्णता की रीढ़ थे। स्टीव आप बेहद गुणी हैं और किसी प्रोजेक्ट को शुरू से अंत तक पूरा देखने के लिए समर्पित भी हैं। मैं आपकी कोटि कोटि प्रशंसा करता हूं और मेरी निगाह में आप अनमोल साझेदार हैं। मैं INTI पब्लिशिंग की अध्यक्ष कैथरीन ग्लोवर का सदैव ऋणी कृतज्ञ हूँ। कैथरीन असाधारण लीडर हैं। इस पुस्तक के सृजन और विकास के दौरान उनका विवरणों पर ध्यान व राय अमूल्य थे। मैं आसानी से पढ़ने वाला लेआउट तैयार करने वाले डोना मारिसन के असाधारण काम के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। डोना, आपके साथ काम करना हमेशा आनंददायक होता है। लीज चेरी और उनकी सृजनात्मक टीम को अद्भुत कवर डिज़ाइन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चेरी डिज़ाइन ने अतिरिक्त आय की जबरदस्त शक्ति संप्रेषित करने में छक्का मारा है। टीम INTI के प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद दिए बिना यह आभार पूरा नहीं होगा। सैंडी लारेंजन INIT के कामकाज को किसी स्विस घड़ी की तरह चलाती है। डी गैरेंड ने उद्योग की 5 सबसे अच्छी वेबसाइट बनाई है तथा उनका प्रबंध करते हैं। सिंडी हाज न सिर्फ वेयरहाउस को कार्यकुशलता से चलाती हैं बल्कि यह काम हमेशा मुस्कुराकर करती हैं। CFO ज्वेल पैरेगो कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं और अकाउंटिंग की उस्ताद भी। ज्वेल, हम आपके बिना क्या करेंगे। अंत में मैं अपने पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी किशोरावस्था में इस बात पर जोर दिया था कि जीवन में पाइपलाइनें बनाना जरूरी है क्योंकि पाइपलाइनें ही जीवन की डोर होती हैं। डैडी, आपके धैर्य और शाश्वत बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद। बर्क हेसेज की डेस्क से, आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं। मेरे पिताजी 25 साल पहले गुजर गए थे लेकिन आज भी मुझे उनके साथ शाम को खेले गए शतरंज के मैच इतनी अच्छी तरह याद है मानो वे कल की ही बात हो। मुझे याद है कि इक्वाडोर के तट पर हमारे बीच हाउस के बरामदे में प्रशांत महासागर का नज़ारा दिखता था और मैं वहां शतरंज की बिसात बिछाने में पिताजी की मदद करता था। मुझे याद है कि मैं सफ़ेद बालुई तट पर लहरों को भी खेरते देखता था। मुझे याद है कि नमकीन पानी की धुंध पर गुड़हल की खुशबू तैरती रहती थी। मुझे याद है कि मैं नरम पीले सूरज को भूरे क्षितिज के नीचे डूबते देखता था। हम अंधेरा होने तक शतरंज खेलते थे, पिताजी बोलते थे, मैं सुनता था। मुझे याद है क्षितिज को निहारते वक्त उन्होंने कई बार यह वाक्य बोला था, कभी किसी चीज़ को अस्थाई मानकर न चले। एक ही दिन में राजा से रंक, कभी किसी चीज़ को अस्थाई मानकर न चलें। पिताजी 1959 का जिक्र कर रहे थे जब कास्त्रो ने क्यूबा पर कब्जा किया था। इस क्रांति से पहले पिताजी क्यूबा के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। टाइम पत्रिका के एक लेख के अनुसार पिताजी की नेटवर्थ $20 मिलियन से ज़्यादा थी जो आज के डॉलरों से
डॉलरों में कम से कम 200 मिलियन डॉलर होगी। वे 12 अलग अलग व्यवसायों के मालिक थे, जिनमें कपास की मिल, रिटेल स्टोर, टेक्सटाइल मिल, रसायन बनाने वाला कारखाना और कमर्शियल रियल इस्टेट शामिल थे। जब कास्त्रो ने सत्ता हथिया ली तो मेरे पिता माता पिता खाली हाथ कोरे कपड़ों में भाग कर जमैका पहुँचे। कास्त्रो ने पिताजी के व्यवसाय और बैंक खातों को जब्त कर लिया। साम्यवादियों का कहना था कि यह लोगों के खिलाफ अपराध की सजा है। पिताजी का एकमात्र अपराध यह था कि वे सफल थे और फिर उस सफलता को अस्थायी मानकर चले थे। अतीत को देखने पर यह स्पष्ट नजर आता है कि उन्हें अपनी कुछ संपत्तियां देश के बाहर पहुंचा देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वे यह मानकर चल रहे थे कि कास्त्रो कभी सरकार नहीं गिरा पाएंगे। पिताजी का अंदाजा गलत निकला और उन्हें अपनी दौलत गंवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। पाइपलाइनों की चेतावनी। पिताजी ने दोबारा दौलत बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुरी अर्थव्यवस्था और रोगी हृदय ने उनकी वापसी नहीं होने दी। अपने अंतिम दिनों में वे कटु नहीं थे, वे तो बस निराश थे कि उनका समय खत्म हो गया था। शतरंज खेलते समय पिताजी ने मुझे वे मुख्य सिद्धांत सिखाने की पूरी कोशिश की, जिनकी बदौलत वे 50 सालों से भी कम उम्र में दौलतमंद बन सके थे। पिताजी अक्सर अपने खुद के व्यवसायों के मालिक बनने के महत्व पर उपदेश देते थे। स्वामित्व का मतलब है स्वतंत्रता और नियंत्रण। पिताजी मानते थे कि आपके पास जितने ज़्यादा व्यवसाय होते हैं उतना ही अच्छा रहता है। वे कहा करते थे, आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं। मैंने पिताजी की नसीहत को दिल में उतार लिया। मैंने अपना पहला व्यवसाय 25 साल की उम्र में शुरू कर दिया। आज मैं तीव्र विकास करने वाले कई व्यवसायियों का मालिक हूँ। विडम्बना देखें, मेरी एक कंपनी इक्विबोर पाइपलाइन व्यवसाय में है। सचमुच इक्विबोर जमीन के नीचे पाइप बिछाती है। इन पाइपों का इस्तेमाल पुरानी अर्थव्यवस्था की यूटिलिटी कंपनियां गैस और पानी की पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए करती हैं। नई अर्थव्यवस्था की टेलीकॉम कंपनियां इन पाइपों का इस्तेमाल अपने फाइबर ऑप्टिक्स केबलों के लिए करती हैं, जो भविष्य की पाइपलाइनें हैं। मेरे अमीर डैडी। उनके अमीर डैडी। पिताजी विविधता में बहुत विश्वास करते थे, इसलिए उनके 12 अलग अलग तरह के व्यवसाय थे। अगर आपके पास सिर्फ एक ही पाइपलाइन है तो आपके पास जीवन की एक ही डोर है, वे शतरंज में मेरे मोहरे को पीटते हुए कहते थे। आपके पास जितनी ज़्यादा पाइपलाइन है उतना ही बेहतर है। कुछ महीने पहले मैंने रॉबर्ट कियोसाकी का एक ऑडियो टेप देखा, व्हाट माई रिच डैड टॉट मी अबाउट इन्वेस्टिंग। इसमें कियोसाकी ने दो युवकों की छोटी सी कहानी बताई है। इन युवकों को एक मील दूर की झील से उनके गांव तक पानी पहुंचाने की नौकरी मिली। पानी ले जाने के लिए एक युवक ने बाल्टियों का इस्तेमाल किया, दूसरे युवक ने पाइपलाइन बना ली। लंबे समय में पाइपलाइन बनाने वाला युवक बाल्टी ढोने वाले युवक से ज़्यादा सफल हुआ। कियोसाकी का ऑडियो सुनकर मुझे वे सबक याद आ गए जो पिताजी ने मुझे 25 साल पहले सिखाए थे। उस शाम घर पहुंचकर मैंने एक नई पुस्तक के लिए 10 पेज के नोट्स लिख डाले। इसमें मैंने पाइपलाइन को जीवन की डोर बताकर पाठकों से आग्रह किया था कि वे अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों पाइपलाइनें बनाए ताकि उनकी आमदनी की नदियाँ अलग अलग जगहों से आए। मैंने इस पुस्तक का शीर्षक रखा द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। तीन महीने बाद मैंने प्रकाशक को उस पुस्तक की पांडुलिपि थमा दी, जिसे आप अपने हाथों में थामे हुए हैं। अपनी खुद की पाइपलाइनें बनाना। इतने वर्षों में मैंने पिताजी की सलाह पर चलकर कई लाभदायी पाइपलाइनें बनाई हैं। उनकी तरह मैं 12 व्यवसायों का मालिक नहीं हूँ, नहीं उनकी तरह मेरी नेटवर्थ अब तक 20 मिलियन डॉलर हुई है, लेकिन मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ। पाइपलाइनें लोगों की जेब में पैसे पहुँचाकर उनके जीवन में चिंता को दूर करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन सबसे बढ़कर पाइपलाइनें इसलिए बनाई गई हैं ताकि लोगों को व्यक्तिगत और वित्तीय स्वतंत्रता तथा आजीवन सुरक्षा मिल सके। संक्षेप में, पाइपलाइनें जीवन की डोर हैं। एक तानाशाह ने मेरे पिता के जीवन की डोरों को छीन लिया था और वे इससे कभी नहीं उबर पाए। अमेरिका में लोगों को वरदान मिला है, हमारे जीवन की डोर कभी कोई तानाशाह नहीं छीन सकता। सिर्फ हम ही खुद से जीवन की डोर छीन सकते हैं। कैसे? उन्हें बनाने के कदम नहीं उठाकर। मेरे पिताजी के जीवन से सबक लें।
यह मानकर न चलें कि आने वाला कल भी आज जैसा ही होगा, क्योंकि यह नहीं होगा। एकमात्र सुरक्षा पाइपलाइन की सुरक्षा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आज ही अपनी पाइपलाइनें बनाना शुरू कर दें, ताकि आने वाले कल में आपके पास आपके जीवन की डोर रहे। प्रस्तावना 1801 मध्य इटली की घाटी। यह सन 1801 की बात है। इटली के एक छोटे से गांव में पाब्लो और ब्रूनो नाम के दो महत्वाकांक्षी युवक कजिन अगल बगल में रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे और बड़े सपने देखते थे। वे लगातार बातें करते थे कि किसी दिन किसी न किसी तरह वे गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। वे दोनों ही प्रतिभाशाली भी थे और मेहनती भी। उन्हें तो बस एक अवसर की जरूरत थी। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल गया। गांव वालों ने दो आदमियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया, जो नज़दीक की नदी से पानी लाकर शहर के चौक के हौज में डालें। यह नौकरी पाब्लो और ब्रूनो को मिल गई। दोनों ने एक एक बाल्टी पकड़ी और नदी की तरफ चल दिए। शाम तक उन्होंने शहर के हौज को लबालब भर दिया था। गांव के मुखिया ने उन्हें पानी की हर बाल्टी के लिए एक एक पेनी का भुगतान किया। हमारा सपना सच हो गया, ब्रूनो चिल्लाया। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन पाब्लो को इतना यकीन नहीं था। भारी बाल्टियां ढोने की वजह से उनकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। अगली सुबह फिर उन्हें ढोने की बात सोचकर ही उसे दहशत हो रही थी। उसने संकल्प लिया कि वह नदी से गांव तक पानी लाने का कोई ज़्यादा अच्छा उपाय सोचेगा। पाब्लो बना पाइपलाइन पुरुष। जब वे दोनों अगली सुबह अपनी अपनी बाल्टियां उठाकर नदी की तरफ जाने लगे, तो पाब्लो ने कहा, ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। चंद सिक्कों के बदले में दिन भर बाल्टियां ढोने के बजाय क्यों ना हम नदी से गांव तक पाइपलाइन बना लें। ब्रूनो चलते चलते एक कदम रुक गया। पाइपलाइन? ऐसा किसने सुना है? ब्रूनो चिल्लाया। पाब्लो, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है। मैं एक दिन में 100 बाल्टियां उठा सकता हूँ। एक बाल्टी के बदले एक पेनी मिलती है, यानी दिन भर में $1, यानी मैं धन्ना सेठ हूँ। सप्ताह भर में मैं जूतों की नई जोड़ी खरीद सकता हूँ, महीने भर में गाय खरीद सकता हूँ, 6 महीनों में मैं एक नई झोपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास इस शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। देखो, हमें वीकेंड में छुट्टी मिलती है और हर साल 2 सप्ताह की सवैतनिक वैकेशन भी मिलती है। हम जिंदगी भर के लिए सही जगह पर पहुंच चुके हैं। अपनी पाइपलाइन के इरादे को दिमाग से निकाल दो। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने पक्के दोस्त को पाइपलाइन की योजना धैर्य से समझाई। पाब्लो दिन के आधे हिस्से में बाल्टी ढोने का काम करेगा और दिन के बाकी आधे हिस्से तथा वीकेंड में अपनी पाइपलाइन बनाएगा। पाब्लो जानता था कि पथरीली जमीन में नाली खोदने में बहुत मेहनत लगेगी। चूँकि उसे ढोई गई बाल्टियों की संख्या के हिसाब से वेतन मिल रहा था, इसलिए वह जानता था कि उसकी आमदनी पहले पहल कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि उसकी पाइपलाइन से अच्छा मुनाफा होने में 1 या 2 साल लग जाएंगे। ब्रूनो नहीं माना, लेकिन पाब्लो को अपने सपने पर विश्वास था, इसलिए वह अपनी योजना पर अमल करने में जुट गया। पाइपलाइन की प्रगति। ब्रूनो और बाकी गाँव वाले पाब्लो की हंसी उड़ाने लगे। वे उसे मजाक में पाब्लो पाइपलाइन पुरुष कहते थे। ब्रूनो पाब्लो से दोगुना काम कर रहा था, इसलिए वह लगभग दोगुने पैसे भी कमा रहा था। वह अपनी नई खरीदी चीज़ों की शान झाड़ता रहा था। उसने चमड़े की नई काठी वाला एक गधा खरीद लिया, जो उसकी नई 2 मंजिला झोपड़ी के बाहर खड़ा रहता था। उसने नए कपड़े खरीदे। वह सराय में लजीज भोजन करने लगा। गांव वाले उसे मिस्टर ब्रूनो कहते थे और जब वह शराब खाने मौजूद सभी लोगों को अपनी तरफ से एक गिलास शराब पिलाता था, तो वे सभी उसकी तारीफों के पुल बांधते थे और उसके मजाक पर जमकर हंसते थे। छोटे काम यानी बड़े परिणाम। जब ब्रूनो शाम को और वीकेंड में अपने जालीदार झूले में लेटा रहता था, तब पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। पहले कुछ महीनों में तो पाब्लो की मेहनत का कोई फल नहीं दिख रहा था। काम मुश्किल था, ब्रूनो के काम से भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि पाब्लो शाम को और वीकेंड में भी
काम कर रहा था, लेकिन पाब्लो खुद को बार बार याद दिलाता रहा है कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। हर दिन वह खुदाई करता रहा, एक बार में एक इंच, एक एक इंच करके यह बहुत आसान है। पथरीली जमीन पर कुदाली चलाते समय वह खुद को बोलता रहा, इंच एक फुट में बदल गए, फिर 10 फुट, फिर 20 फुट, फिर 100। अल्पकालीन कष्ट का मतलब है दीर्घकालीन लाभ। वह खुद को याद दिलाता था, जब वह दिन भर के काम के बाद थका मादा अपनी सामान्य झोपड़ी में घुसता था, वह अपनी सफलता को मापने के लिए हर दिन के लक्ष्य तय करता था और देखता था कि वे पूरे हुए हैं या नहीं। वह यह बात जानता था कि आगे चलकर उसे अपने प्रयासों की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा पुरस्कार मिलेंगे। अपनी निगाह पुरस्कार पर रखो, उसने बार बार दोहराया। जब वह गांव के शराबखाने से आती हंसी की आवाज़ें सुनते हुए सो गया। अपनी निगाह पुरस्कार पर रखें, निचले वाला पलड़ा ऊपर पहुंच जाता है। दिन महीनों में बदल गए। एक दिन पाब्लो को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी पाइपलाइन आधी पूरी हो गई थी। इसका मतलब यह था कि उसे अपनी बाल्टियां भरने के लिए अब सिर्फ आधी दूर तक ही पैदल चलना होगा। बचने वाले समय को भी पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन पर काम करने में लगा दिए। पाइपलाइन पूरी होने की तारीख तेजी से और ज़्यादा तेजी से करीब आ रही थी। पाइपलाइन बनाने के बीच आराम करते समय पाब्लो अपने पुराने दोस्त ब्रूनो को बाल्टियां ले जाते देखता था। ब्रूनो के कंधे अब काफ़ी झुक गए थे, वह दर्द में झुका हुआ था और हर दिन हमाली करने की वजह से उसकी चाल धीमी हो गई थी। अब ब्रूनो नाराज और खिन्न था। वह इस बात से चिढ़ रहा था कि वह हर दिन बाल्टियां ढोने के लिए अभी सख्त है जिंदगी भर। अब वो अपने जालीदार झूले में कम समय बिताता था और शराबखाने में ज़्यादा समय बिताता था। शराबखाने के लोग ब्रूनो को आते देखकर फुसफुसाते थे, लो ब्रूनो बाल्टी वाला आ गया। फिर जब शहर का अव्वल शराबी ब्रूनो की झुकी हुई मुद्रा और पैर घसीटकर चलने वाली चाल की नकल करता था तो सभी लोग खिखी करने लगते थे। अब ब्रूनो सबको अपनी तरफ से एक गिलास शराब नहीं पिलाता था, नहीं वह चुटकुले सुनाता था। अब तो वह खाली बोतलों से भरे अंधेरे कोने में अकेले बैठना पसंद करता था। आखिरकार पाब्लो का बड़ा दिन आ गया। पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव वालों ने आसपास भीड़ लगा ली। जब पानी पाइपलाइन से बहता हुआ गांव के हौज में आ गया, अब गांव के पास ताजे पानी की अस्थायी आपूर्ति हो चुकी थी, इसलिए आसपास के इलाके के लोग उस गांव में आकर बसने लगे और इसका विकास हुआ तथा यह समृद्ध हुआ। एक बार जब पाइपलाइन पूरी हो गई तो पाब्लो को बाल्टियां ढोकर पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। पानी बहता रहता था, चाहे वह काम करे या न करे। यह तब भी बहता रहता था जब वह खाना खाता था, यह तब भी बहता रहता था जब वह सोता था, यह वीकेंड पर भी बहता रहता था जब वह खेलता था। गांव में जितना ज़्यादा पानी बहकर आता था उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर पाब्लो की जेब में आ जाता था। पाइपलाइन वाला पाब्लो अब चमत्कारी पाब्लो के नाम से मशहूर हो गया। नेताओं ने उसकी दूरदृष्टि की प्रशंसा की और उससे मेयर का चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन पाब्लो समझता था कि उसने जो किया था वह चमत्कार नहीं था, यह तो एक बड़े बहुत बड़े सपने का सिर्फ पहला चरण था। देखिए, पाब्लो के पास ऐसी योजनाएँ थी जो उसके गांव से बहुत बहुत आगे तक जाती थी। पाब्लो की योजना पूरे संसार में पाइपलाइनें बनाने की थी, मदद के लिए अपने मित्र को नियुक्त करना। पाइपलाइन आने की वजह से ब्रूनो बाल्टी वाले का काम ठप हो गया। पाब्लो को दुख होता था जब वो अपने पुराने दोस्त को शराबखाने में मुक्त शराब के लिए भीख मांगते देखता था, इसलिए पाब्लो ने ब्रूनो के साथ एक मुलाकात तय की। ब्रूनो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। ब्रूनो ने अपने झुके हुए कंधे सीधे किए और उसकी काली आँखें सिकुड़ गईं। उसने फुफकारते हुए कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ। पाब्लो ने कहा, मैं यहाँ सान झाड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें एक बेहतरीन कारोबारी अवसर देने आया हूँ। मेरी पहली पाइपलाइन पूरी करने में मुझे 2 साल से ज़्यादा लग गए, लेकिन इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं जानता हूँ कि किन औजारों का इस्तेमाल करना है, कहाँ खोदना है, कैसे पाइपलाइन बिछानी है। रास्ते में चलते चलते मैंने नोट्स लिए हैं और
एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे मैं एक और पाइपलाइन बना सकता हूँ, और फिर एक और एक और। मैं अकेला ही 1 साल में पाइपलाइन बना सकता हूँ, लेकिन यह मेरे समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग नहीं होगा। मेरी योजना यह है कि मैं तुम्हें और दूसरों को यह सिखा दूँ कि पाइपलाइन कैसे बनानी है, और इसके बाद तुम दूसरों को सिखाना, और हम में से हर व्यक्ति दूसरों को सिखाएगा जब तक कि इस इलाके के हर गांव में पाइपलाइन न पहुंच जाए, फिर देश के हर गांव में एक पाइपलाइन न पहुंच जाए, और अंततः पूरे संसार के हर गांव में एक पाइपलाइन न पहुंच जाए। ज़रा सोचो, पाब्लो ने आगे कहा, हम उन पाइपलाइनों से गुजरने वाले 1 गैलन पानी के बदले में थोड़े पैसे ले सकते हैं। पाइपलाइनों से जितना ज़्यादा पानी बहेगा, हमारी जेब में भी उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर आ जाएगा। मैंने जो पाइपलाइन बनाई है वह सपने का अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। ब्रूनो को आखिरकार बड़ी तस्वीर दिख गई। वह मुस्कुराया और उसने अपना सख्त हाथ अपने पुराने दोस्त की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने हाथ मिलाया और फिर पुराने बिछड़े दोस्त की तरह गले मिल गए। बाल्टी ढोने वाले संसार में पाइपलाइन के सपने। वर्षों गुजर गए। पाब्लो और ब्रूनो काफ़ी पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका विश्वव्यापी पाइपलाइन व्यवसाय अब भी उनके बैंक खातों में हर साल करोड़ों डॉलर बहाकर लाता है। कई बार तो देहात में यात्रा करते वक्त पाब्लो और ब्रूनो पानी की बाल्टियां ढोने वाले युवक के पास से गुजरते थे। यह देखकर बचपन के दोस्त रुक जाते थे। वे युवकों को अपनी कहानी बताते थे और उनकी खातिर पाइपलाइन बनाने में उनकी मदद करने का प्रस्ताव रखते थे। कुछ लोग उनकी बात सुनते थे और पाइपलाइन व्यवसाय शुरू करने के अवसर पर उछल पड़ते थे। लेकिन दुखद बात यह है कि ज़्यादातर बाल्टी ढोने वाले जल्द ही पाइपलाइन के विचार को खारिज कर देते थे। पाब्लो और ब्रूनो बार बार एक जैसे बहाने सुनते थे, मेरे पास समय नहीं है, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि वह एक दोस्त के दोस्त को जानता है जिसने पाइपलाइन बनाने की कोशिश की थी और नाकाम रहा था। जो लोग जल्दी अंदर जाते हैं सिर्फ वही पाइपलाइनों से पैसे कमा पाते हैं। मैंने जिंदगी भर बाल्टियाँ ढोई है, मैं तो जो जानता हूँ वही करता रहूँगा। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका पैसा पाइपलाइन घोटाले में डूब गया था, मैं तो यह हरगिज नहीं करूँगा। इतने सारे लोगों में भविष्य दृष्टि का अभाव था, यह देखकर पाब्लो और ब्रूनो दुखी हो जाते थे। लेकिन दोनों दोस्त बाद में इस तथ्य को स्वीकार कर लेते थे कि वे बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं, इसलिए बहुत कम लोग ही पाइपलाइन के सपने देखने की हिम्मत कर सकते हैं। खंड एक, हम बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं। अध्याय एक, आप कौन हैं, बाल्टी ढोने वाले हमाल या पाइपलाइन निर्माता? ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। जब अगली सुबह हुए दोनों अपनी बाल्टी लेकर नदी से पानी लाने के लिए चले तो पाब्लो ने कहा, चंद सिक्कों के बदले में दिन भर बाल्टियाँ ढोने के बजाय हम नदी से गांव तक पाइपलाइन क्यों न बना लें? ब्रूनो चलते चलते एकदम रुक गया। पाइपलाइन, ऐसा किसने सुना है? ब्रूनो चिल्लाया, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन से। आप कौन हैं, बाल्टी ढोने वाले हमाल या पाइपलाइन के निर्माता? क्या आपको सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब आप खुद जाकर काम करते हैं बाल्टी वाले हमाल ब्रूनो की तरह, या फिर आप एक बार काम करते हैं और आपको उसके बदले में बार बार पैसे मिलते हैं पाइपलाइन निर्माता पाब्लो की तरह? अगर आप ज़्यादातर लोगों जैसे हैं तो आप बाल्टी ढोने वाली योजना पर काम कर रहे हैं। मैं इसे समय के बदले पैसे का जाल कहता हूँ। आप समीकरण जानते हैं, 1 घंटे के काम के बदले 1 घंटे का भुगतान, 1 महीने के काम के बदले 1 महीने का भुगतान, 1 साल के काम के बदले 1 साल का भुगतान, जाना पहचाना लगता है। बाल्टी ढोने के साथ समस्या यह है कि जब बाल्टी ढोना बंद हो जाता है तो पैसा आना भी बंद हो जाता है, जिसका मतलब है कि सुरक्षित नौकरी या सपनों की नौकरी सिर्फ एक मुगालता है। बाल्टियाँ ढोने का अंदरूनी खतरा यह है कि आमदनी निरंतर नहीं अस्थायी होती है। अगर ब्रूनो किसी दिन सुबह उठे और उसकी पीठ अकड़ी हुई हो और वह बिस्तर से न उठ पाए
तो वह उस दिन कितने पैसे कमाएगा? शून्य। कोई काम नहीं तो कोई दाम नहीं। यही बाल्टी ढोने वाली हर नौकरी में होता है। एक बार जब बाल्टी ढोने वाले अपनी मेडिकल छुट्टियों और वैकेशन की छुट्टियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर वे बाल्टियाँ नहीं ढोएंगे तो उन्हें वेतन का चेक नहीं मिलेगा। गणित बहुत सरल है, कोई बाल्टी नहीं बराबर कोई भुगतान नहीं। दंत चिकित्सक अब बाल्टियाँ नहीं ढो सकती। यहाँ असल जीवन का एक उदाहरण है। मेरी पुरानी दंत चिकित्सक वह सबसे अच्छी दंत चिकित्सक थी जिसके पास मैं कभी गया था। वह बेहद पेशेवर थी, इलाज का बहुत कुशल तरीका था, बेहतरीन व्यक्तित्व था, बेहतरीन तकनीशियन थी। हर बार इलाज लगभग दर्द रहित होता था। इसके अलावा वह अपने काम से प्यार करती थी और अपने काम के घंटे खुद तय करती थी। उसका क्लिनिक सप्ताह में केवल 3 ही दिन खुलता था ताकि वह अपने परिवार के साथ 4 दिनों का वीकेंड बिता सके। वह जिस काम से प्यार करती थी उसे सप्ताह में 3 दिन करके वह साल भर में $1,00,000 से ज़्यादा कमा लेती थी। यह बाल्टी ढोने वाले हमालों की सपनों की नौकरी थी, बशर्ते ऐसी कोई चीज़ कभी हो सकती हो। एक समस्या, 40 की उम्र से पहले उसे हाथों में गठिया रोग हो गया जिस वजह से वह दंत चिकित्सा नहीं कर सकती थी। आज वह एक स्थानीय यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है और वह दंत चिकित्सक के रूप में जितना कमाती थी उसका सिर्फ 1/3 ही कमा रही है। इसमें उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन उसके सपनों की नौकरी अब गायब हो गई थी। अब क्या आप समझ सकते हैं कि मैं यह बात क्यों कहता हूँ कि बाल्टी ढोने वाली सुरक्षित नौकरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती? क्या आप देख सकते हैं कि बाल्टी ढोने वाले लोग कितने असुरक्षित हैं? समय के बदले पैसे के जाल में समस्या यह है कि अगर आप समय नहीं बेच सकते तो आपको पैसा भी नहीं मिलता है। पाइपलाइन निर्माता पाब्लो ने बाल्टी की सीमाओं को जल्दी ही पहचान लिया था और वह एक ऐसा सिस्टम बनाने निकला जिसकी मदद से उसे पैसे मिलते रहें, चाहे वह आगे चलकर काम में समय लगाए या न लगाए। पाब्लो समझता था कि बाल्टी ढोने के काम में कोई सुरक्षा नहीं है। वह यह बात समझता था कि पाइपलाइन आपके जीवन की डोर है। अगर आप समय नहीं दे पाए तो आपके साथ क्या होगा? आपके बारे में आप क्या करेंगे अगर आपकी आमदनी कल रुक जाए? क्या होगा अगर आपकी छटनी हो जाए? क्या होगा अगर आप बीमार पड़ जाएं या अपाहिज हो जाएं और बाल्टियां न ढो पाएं? क्या होगा अगर कोई आपातकालीन बीमारी आपकी बचत खा जाए? क्या होगा अगर भविष्य के लिए रखी आपकी जमा पूंजी रातों रात गायब हो जाए? अगर आपकी आमदनी कल रुक जाती है तो आप कितने लंबे समय तक अपने हाउस लोन की किस्त चुका सकते हैं, अपनी कार की किस्त चुका सकते हैं, या अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं? 6 महीने, 3 महीने, 3 सप्ताह? यदि विपत्ति हमला करती है तो क्या आपके पास जीवन की वह डोर है जो आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगी, या फिर आप इस मुगालते में जी रहे हैं कि बाल्टी ढोने वाला काम बगैर रुके तब तक चलता रहेगा जब तक आपको आमदनी की ज़रूरत होगी? चाहे आप झाड़ू वाला काम करते हो, कागज़ कलम वाला काम करते हो, या पेशेवर काम करते हो, आप समय की एक इकाई खर्च करके पैसे की एक इकाई प्राप्त कर रहे हैं, इसमें सुरक्षा कहाँ है? पाइपलाइन तब भी पैसे देती है जब आप खेलते हैं। जैसा पाब्लो ने कहा था, कोई बेहतर तरीका होना चाहिए। सौभाग्य से बेहतर तरीका है, इसे पाइपलाइन आमदनी, निरंतर अतिरिक्त आय कहा जाता है जो हमेशा मिलती रहती है, चाहे आप समय दें या न दें। सच्ची सुरक्षा पाने का एकमात्र तरीका वही है जो पाब्लो ने किया था। जब आप बाल्टियाँ ढो रहे हो तभी एक पाइपलाइन बना लें। पाइपलाइनें जीवन की डोर हैं क्योंकि वे लोगों को पैसे की खातिर समय बेचने के जाल से आज़ाद करती हैं। पाइपलाइन बनाते समय आप एक बार काम करते हैं, लेकिन उस काम के बदले में आपको बार बार पैसे मिलते रहते हैं। पाइपलाइनों हर समय खुली रहती हैं, यानी 24x7, 365 दिन
इसका मतलब है कि पाइपलाइनें आपको आपकी जेब में तब भी पैसे डालती हैं जब आप सोए हों, या जब आप खेल रहे हों, या जब आप रिटायर हो चुके हों, या जब आप बीमार हों, अपाहिज हों और काम न कर सकते हों, या आपातकालीन स्थितियों में या अतिरिक्त आमदनी की शक्ति है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं। अध्याय 2, हम बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं। पाब्लो, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है। मैं एक दिन में 100 बाल्टियाँ उठा सकता हूँ। एक बाल्टी के बदले एक पेनी मिलती है, यानी दिन भर में $1, यानी मैं धन्ना सेठ हूँ। सप्ताह भर में मैं जूतों की नई जोड़ी खरीद सकता हूँ, महीने भर में गाय खरीद सकता हूँ, 6 महीनों में मैं एक नई झोपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास इस शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। देखो, हमें वीकेंड में छुट्टी मिलती है और हर साल 2 सप्ताह की सवैतनिक वैकेशन भी मिलती है। हम जिंदगी भर के लिए सही जगह पर पहुंच चुके हैं। अपनी पाइपलाइन के इरादे को दिमाग से निकाल दो। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन से। एक डॉक्टर अपनी 4 साल की बेटी को डे केयर सेंटर छोड़ने जा रहा था। उसका स्टेथोस्कोप कार की सीट पर पड़ा था। बेटी उसे उठाकर खेलने लगी। डॉक्टर ने मन में सोचा, मेरी बेटी मेरे नक्शे कदम पर चलना चाहती है। यह मेरे जीवन का सबसे गर्वीला पल है। बच्ची ने स्टेथोस्कोप अपनी गर्दन में लपेटा और सेंसर को अपने सामने माइक की तरह पकड़ लिया। मैकडॉनल्ड में आपका स्वागत है, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? यह रोचक कहानी यह बताती है कि हम बाल्टी ढोने वाले कामों की तरफ क्यों झुकते हैं। इसे कहा जाता है, बंदर जो देखते हैं वही करते हैं। छोटी लड़की इतनी ज़्यादा बार मैकडॉनल्ड गई थी कि उसने स्टेथोस्कोप को गलती से हेडसेट समझ लिया था और वहाँ के कर्मचारी जिस तरह ग्राहकों से बात करते थे उसकी नकल करने लगी थी। छोटी लड़की की तरह ही ज़्यादातर लोग बाल्टी ढोने को गलती से पाइपलाइन बनाना समझ लेते हैं। हम यह देखते हैं कि 99% लोग बाल्टियाँ ढोते हैं, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से यह मान लेते हैं कि हम जीवन में जो चाहते हैं उसे पाने का एकमात्र तरीका बाल्टी ढोना है। इसलिए ब्रूनो को पाइपलाइनों की शक्ति समझने में इतनी मुश्किल आई थी। पाब्लो पहला पाइपलाइन निर्माता था जिसे ब्रूनो जानता था। ब्रूनो ने पाइपलाइनों को इसलिए अस्वीकार कर दिया था क्योंकि वे अलग थी। ब्रूनो के लिए पाइपलाइनें प्रमाणित नहीं थी। ब्रूनो के लिए पाइपलाइनें क्रांतिकारी रूप से नई और जोखिम भरी थी। बहुसंख्यक लोग ब्रूनो की तरह सोचते हैं, बड़े होते समय हम बाल्टी ढोने वाले कड़के लोगों से घिरे रहते हैं, इसलिए हम यह मान लेते हैं कि संसार में यही होता है। इससे मुझे एक बम्पर स्टिकर याद आ जाता है जिसे मैंने कुछ समय पहले देखा था, 1,00,000 चूहे गलत नहीं हो सकते। लोग बाल्टी ढोने वालों के बारे में भी यही सोचते हैं, 100 मिलियन बाल्टी ढोने वाले लोग गलत नहीं हो सकते। देखिए, वे हो सकते हैं। बाल्टी उठाने का निर्णय लेना। आइए सच का सामना करते हैं। इस संसार में जितने पाइपलाइन के निर्माता हैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा बाल्टी ढोने वाले हमाल हैं। क्यों? क्योंकि बाल्टी ढोना वह राह है जिस पर हमारे माता पिता चले थे और उन्होंने हमें भी उसी पर चलना सिखाया। बाल्टी ढोने वाला मॉडल आपको बताता है कि बाल्टी ढोने वाले संसार में आगे बढ़ने के लिए आपको यह करना होगा। स्कूल जाओ और सीखो कि बाल्टियाँ कैसे ढोना है। बहुत कड़ी मेहनत करो। ज़्यादा बड़ी बाल्टियाँ ढोने के अधिकारी बनो। बाल्टी कंपनी ए से इस्तीफा देकर बाल्टी कंपनी बी की नौकरी कर लो ताकि आपको ज़्यादा बड़ी बाल्टियाँ ढोने को मिले। ज़्यादा घंटे काम करो ताकि आप ज़्यादा बाल्टियाँ ढो सको। बच्चों को बाल्टियाँ ढोने का बेहतरीन प्रशिक्षण देने वाले कॉलेज में पढ़ने जाओ। धातु की बाल्टियाँ उठाने से करियर बदलो और प्लास्टिक की बाल्टियाँ उठाओ। फिर डिजिटल बाल्टियाँ उठाओ। उस दिन के सपने देखो जब आप बाल्टियाँ ढोने के काम से रिटायर हो सकते हो। तब तक उन बाल्टियों को ढोते रहो। ये सब बाल्टी ढोने वाले लोग अपने प्रयासों के बदले में कितना कमाते हैं? आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम।
परेड मैगजीन के लोग कितना कमाते हैं। वार्षिक सर्वे के अनुसार अमेरिका का औसत कर्मचारी साल में $28,500 कमाता है। लगभग 20% टैक्स घटा दें तो जीवन यापन के लिए $22,500 बचते हैं। आइए सच का सामना करते हैं, $22,500 इतनी रकम नहीं है कि 4 लोगों के परिवार की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाए। इसका मतलब है बहुसंख्यक लोग ज़्यादा पैसों के लिए बुरी तरह छटपटा रहे हैं। बाल्टियों की झांकी। जब बाल्टियां ढोने वालों को ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो वे क्या करते हैं, क्योंकि उनकी बाल्टी ढोने वाली मानसिकता है इसलिए वो बाल्टी ढोने वाला समाधान सोच लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो तो आपको ज़्यादा बाल्टियाँ ढोनी होंगी। बाल्टी ढोने वाले डैडी कहते हैं, मैं शाम को और वीकेंड में बाल्टियाँ ढोने वाली दूसरी नौकरी कर लूँगा। बाल्टी ढोने वाली मम्मी कहती है, बच्चों के पैदा होने से पहले मैं बाल्टियाँ ढोने की जो नौकरी करती थी उसे दोबारा कर सकती हूँ। बाल्टियाँ ढोने वाले मम्मी डैडी गुजरा करते हैं, बच्चे स्कूल के बाद और गर्मियों में बाल्टियाँ ढोने का काम कर सकते हैं और यही वे करते हैं। परिणाम, आज उत्तर अमेरिका के लोग संसार में सबसे लंबे घंटे काम करते हैं, काम के दीवाने जापानियों से भी ज़्यादा। क्या ज़्यादा बाल्टियाँ ढोकर ज़्यादा पैसे कमाने की योजना कामयाब हो रही है? एक शब्द में नहीं। यह भावहीन कठोर तथ्य बताए जा रहे हैं। उपभोक्ता कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर है। अमेरिका में मकान पर कर्ज पिछले 17 सालों में 4 गुने से ज़्यादा हो गए हैं। आज औसत परिवार के पास डिस्पोजेबल या प्रयोग के लिए उपलब्ध आमदनी में जो $1 होता है उस पर 95 सेंट का कर्ज है। परिवार के भरण पोषण के लिए काम करने वाली महिलाओं का अनुपात पिछले 20 सालों में 2 गुने से ज़्यादा हो गया है। यह 1980 में 19% था जो आज बढ़कर 46% हो चुका है। बिल चुकाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सबसे बड़ी अकेली संपत्ति यानी उनके घर पर दूसरी और तीसरी मार्गेज ले रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर दिवालिया होने वालों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। सन 2000 में यह आंकड़ा बढ़कर 14 लाख तक पहुंच गया है। हालांकि अर्थव्यवस्था में उछाल है। हेलो, इस चित्र में क्या गलत है? ज़्यादा बड़ी बाल्टियाँ ढोने की भ्रांति। बाल्टियाँ ढोने वाले तर्क देते हैं कि ज़्यादा बड़ी बाल्टियों का मतलब है ज़्यादा वेतन, इसलिए बाल्टियाँ ढोने वाले खुद से कहते हैं कि अगर उन्हें ज़्यादा बड़ी बाल्टियाँ ढोने की नौकरी मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाल्टियाँ उठाने वाले हमेशा सोचते रहते हैं कि बाल्टियाँ ढोने वाले दूसरे लोग कितना ज़्यादा कमाते हैं। US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स सैकड़ों अलग अलग पेशों के प्रति घंटे आमदनी के आंकड़े बताता है। दूसरी नौकरियों की तुलना में आपका प्रति घंटे का वेतन कैसा है? प्रति घंटा वेतन US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स से। पेशा, फास्ट फूड कुक $6.29, गैस स्टेशन अटेंडेंट $7.34 प्रति घंटा वेतन, चौकीदार $8.44, रिटेल सेल्स पर्सन $9.12, सेक्रेटरी $11.86, छत डालने वाला $13.63, कार मैकेनिक $13.97, ट्रक ड्राइवर $14.08, दमकल कर्मी $15.63, डाकिया $16.39, लोन ऑफिसर $20.05, कंप्यूटर प्रोग्रामर $25.67, केमिकल इंजीनियर $29.44, भौतिक शास्त्री $33.23, वकील $36.49, दंत चिकित्सक $44.40, डॉक्टर सर्जन $49.05। यह मानते हुए कि ज़्यादातर लोगों को हर सप्ताह 40 घंटे काम करने के लिए वेतन मिलता है, हालांकि शायद वे एक सप्ताह में कम से कम 50 घंटे या इससे ज़्यादा काम करते हैं और हर साल 2 सप्ताह की सवैतनिक वैकेशन मिलती है। यहाँ उपर्युक्त पेशों में से 5 की सालाना आमदनी बताई जा रही है। सालाना आमदनी कुक $13,083, रिटेल सेल्स पर्सन $18,970, डाकिया $34,091,
वकील $75,899, डॉक्टर $1,02,024। अब अगर आप कुक होते या रिटेल सेल्स पर्सन होते या डाकिया होते तो आप किसी वकील या डॉक्टर की सालाना आमदनी को देखकर यह सोच सकते थे, वाह अगर मैं हर साल इतने पैसे कमाता तो मैं वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र हो जाता, तब मुझे बिल चुकाने की चिंता में रात भर जागने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सच है, डॉक्टर की बाल्टी कुक की बाल्टी से बहुत बड़ी है, लगभग 10 गुना बड़ी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि डॉक्टर वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र है। वह भी बाल्टी ढोने वाली नौकरी पर उतना ही निर्भर है जितना कि कुक या डाकिया। क्यों? सरल है, पेशेवर लोग औसत कर्मचारी से ज़्यादा कमाते हैं लेकिन वे ज़्यादा खर्च भी करते हैं। सच तो यह है कि हर साल 6 अंकों की आमदनी कमाने वाले डॉक्टर या वकील अपनी ज़्यादातर आमदनी अपनी ठाठदार जीवन शैली पर खर्च कर देते हैं। एक औसत कर्मचारी के खर्च की तुलना किसी पेशेवर के खर्च से करके देखते हैं। औसत कर्मचारी $5,000 की सेकेंड हैंड कार चलाता है, डॉक्टर या वकील $45,000 की लेक्सस चलाता है। औसत कर्मचारी अपने बच्चे को मुफ्त के सरकारी स्कूलों में भेजता है, डॉक्टर या वकील निजी स्कूल पर पैसे खर्च करते हैं। औसत कर्मचारी $75,000 के घर का स्वामी होता है, डॉक्टर या वकील $3,50,000 के घर का स्वामी होता है। औसत कर्मचारी सप्ताह में एक बार पिज्जा हट में खाता है, डॉक्टर या वकील सप्ताह में 2 बार बड़े रेस्तरां में खाते हैं। औसत कर्मचारी वैकेशन का खर्च नहीं उठा सकता, डॉक्टर या वकील हर साल परिवार को पर्यटन स्थल की सैर कराने ले जाता है। औसत कर्मचारी किसी सार्वजनिक कोर्स में गोल्फ खेलता है, डॉक्टर या वकील 1 या 2 महंगे कंट्री क्लब का सदस्य होता है। आप स्थिति समझ गए होंगे, लोग डॉक्टरों वकीलों और अकाउंटेंटों से इसलिए ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे बड़ी बाल्टियाँ ढो रहे हैं। सच है, डॉक्टर की बाल्टी कुक की बाल्टी से 10 गुना ज़्यादा बड़ी हो सकती है लेकिन डॉक्टर 10 गुना ज़्यादा खर्च भी करता है, इसलिए अंत में उन दोनों का हाल एक जैसा होता है। एक वेतन से दूसरे वेतन तक जीना, बाल्टियाँ अंततः सूख जाती हैं। बेस्ट सेलर द मिलेनियर नेक्स्ट डोर के लेखक थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको ने बताया है कि बड़ी बाल्टियाँ ढोने का मतलब दौलत बनाना नहीं है। लेखक संपन्न इलाकों में रहने वाले लोगों का सर्वे करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे क्योंकि उनकी मान्यता थी कि जो लोग महंगी कार चलाते हैं और महंगे घरों में रहते हैं वे दौलतमंद थे। उफ, गलत अनुमान। स्टैनली और डैंको दौलत बनाने के बारे में इस आश्चर्यजनक निष्कर्ष पर पहुँचे। अमेरिका में दौलत के बारे में ज़्यादातर लोगों की धारणा है निहायत ही गलत हैं। दौलत का मतलब आमदनी नहीं। अगर आप हर साल अच्छी आमदनी कमाते हैं और उसे पूरी खर्च कर देते हैं तो आप ज़्यादा दौलतमंद नहीं बन रहे हैं, आप तो बस शान से जी रहे हैं। दौलत वह नहीं है जिसे आप खर्च करते हैं, दौलत तो वह है जिसे आप संचित करते हैं। आप दौलतमंद कैसे बनते हैं? ज़्यादातर लोगों ने इसे भी गलत समझ लिया है। यह किस्मत या विरासत या ऊंची उपाधि या बुद्धि नहीं है जिसकी बदौलत लोग दौलत इकट्ठी करने में सक्षम बनते हैं। इसके बजाय ज़्यादातर मामलों में दौलत कड़ी मेहनत, लगन, योजना और सबसे बढ़कर आत्म अनुशासन की जीवन शैली का परिणाम होती है। दूसरे शब्दों में, बाल्टियाँ चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो वे अंततः सूख जाएंगी। दूसरी तरफ पाइपलाइनें हमेशा कायम रहेंगी लेकिन पाइपलाइन बनाने की खातिर त्याग करना पड़ता है। पाइपलाइनें अपने आप नहीं बन जाती, उन्हें बनाने के लिए आपको समय निकालना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। ज़्यादा बड़ी बाल्टी से समस्या नहीं सुलझेगी। हर कोई अपनी बाल्टी के आकार को बढ़ाना पसंद करेगा। कोई भी वार्षिक वेतन वृद्धि या ज़्यादा पैसे वाली बेहतरीन नौकरी को नहीं ठुकराएगा। अगर बाल्टी ढोना आपकी आमदनी का एकमात्र स्रोत है तो मैं कहता हूँ वह सबसे बड़ी बाल्टी ढोएं जो आप ढो सकते हो। यह सहज बोध है लेकिन इसके बावजूद सच्चाई यही है कि बाल्टियाँ ढोने से आप कभी वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र नहीं बन सकते। बाल्टियाँ ढोकर आप कभी अपने परिवार को सुरक्षित नहीं बना पाएंगे चाहे आपकी बाल्टियाँ कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि
जब आप बाल्टी ढोते हैं तो आपको खुद वहाँ रहकर काम करना पड़ता है, तभी आपको पैसे मिलते हैं। जिस दिन आप बाल्टियाँ ढोना बंद कर देते हैं उसी दिन पैसा आना भी बंद हो जाता है। कई बाल्टियाँ ढोने वाले मिलेनियर से दिवालिया बन गए हैं, क्योंकि जब वे बाल्टियाँ ढो रहे थे तब उन्होंने पाइपलाइन नहीं बनाई। जब उनकी बाल्टी सूख गई तो उनकी जीवन शैली भी सूख गई। मेरे पिताजी कहते थे, पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं, क्या आप देख पा रहे हैं कि क्यों? अध्याय 3, पाइपलाइन की शक्ति। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने पक्के दोस्त को पाइपलाइन की योजना धैर्य से समझाई। पाब्लो दिन के आधे हिस्से में बाल्टी ढोने का काम करेगा और दिन के बाकी आधे हिस्से तथा वीकेंड में अपनी पाइपलाइन बनाएगा। पाब्लो जानता था कि पथरीली ज़मीन में नाली खोदने में बहुत मेहनत लगेगी। चूँकि उसे ढोई गई बाल्टियों की संख्या के हिसाब से वेतन मिल रहा था, इसलिए वह जानता था कि उसकी आमदनी पहले से कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि उसकी पाइपलाइन से अच्छा मुनाफा होने में 1 या 2 साल लग जाएंगे। ब्रूनो नहीं माना, लेकिन पाब्लो को अपने सपने पर विश्वास था, इसलिए वह अपनी योजना पर अमल करने में जुट गया। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन से। यह 2 विपरीत ध्रुवों की कहानी है। एक तरफ है एक मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी और दूसरी तरफ है एक छोटे कस्बे की प्राथमिक स्कूल टीचर। इससे ज़्यादा अलग 2 व्यक्ति नहीं हो सकते। एक युवक था और दूसरी बुजुर्ग महिला। एक को हर साल करोड़ों डॉलर मिलते थे, जबकि दूसरे ने कभी $10,000 से ज़्यादा नहीं कमाए थे। एक लोकप्रियता की चमक दमक में शान शौकत से जीता था, जबकि महिला मैसेच्यूसेट्स के एक छोटे कस्बे में जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन ये अंतर छोटे हैं, इससे बड़े अंतर तो उनके चुने हुए व्यक्तिगत और वित्तीय विकल्पों में थे। देखिए, आप जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनमें से एक पाइपलाइनें बनाकर मल्टी मिलियनेयर रिटायर हुआ, दूसरा बाल्टी ढोने वाला बना रहा और यह लिखते समय वह दिवालियेपन की कगार पर झूल रहा है। ये कहानियाँ 2 बहुत अलग लोगों के बारे में है, लेकिन यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण तो उनके चुने हुए विकल्प हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण तो वे सबक हैं जो आप इन चुनावों से सीख सकते हैं। इन दोनों कहानियों को जानने के बाद यह एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पाइपलाइनें बनाना सच्ची सुरक्षा और सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने का एकमात्र तरीका क्यों है। बेसबॉल खिलाड़ी की महागाथा। आइए मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी की कहानी से शुरुआत करते हैं। लंबे समय तक इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने कुछ बुरे विकल्प चुने, व्यक्तिगत भी और वित्तीय भी। उसके व्यक्तिगत चुनाव का परिणाम अस्पष्ट था, टूटा हुआ वैवाहिक संबंध, शराबखोरी की लत और नशे की लत। यह अपने आप में पर्याप्त बुरा है, लेकिन उसके वित्तीय चुनाव भी उतने ही बुरे रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में वह कड़का है। मुझे यकीन है कि आपने इस खिलाड़ी के बारे में सुना होगा। वह लगभग 20 साल से लोकप्रियता की चमक दमक में रह रहा है। उसका नाम है डेरिल स्ट्रॉबेरी। उसकी कहानी हमें आगाह करती है कि वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। डेरिल स्ट्रॉबेरी का लगभग आधा जीवन पेशेवर बेसबॉल खेलते खेलते गुजरा है। यह 38 वर्षीय आउटफील्डर किशोरावस्था में एक बड़ी लीग में खेलने लगा था और उसे तुरंत ही अगला टेड विलियम्स घोषित कर दिया गया था। स्ट्रॉबेरी ने अपने करियर में भारी दौलत कमाई, हर साल 2 से 5 मिलियन डॉलर के बीच, और यह तो सिर्फ बेसबॉल खेलने से होने वाली आमदनी थी। इसके अलावा विज्ञापनों, व्यक्तिगत उपस्थिति वाले कार्यक्रमों, भाषणों और ऑटोग्राफ दस्तखत के भी हर साल $2 मिलियन जोड़ लें। इस तरह कुल मिलाकर अपने 40वें जन्मदिन से पहले वह 50 से 100 मिलियन डॉलर कमा चुका है। स्ट्रॉबेरी हमेशा नहीं खेलता है। इतने ज़्यादा पैसे कमाने वाले आदमी की पूरी ज़िंदगी शान शौकत से गुजरेगी, सही है गलत है? एक स्थानीय अखबार में खबर छपी थी, स्ट्रॉबेरी के पास अपनी वर्तमान पत्नी कैरिस और उनके 3 बच्चों को सहारा देने के लिए कोई आमदनी या बचत नहीं है। $100 मिलियन कमाए और उसमें से कुछ भी नहीं बचाया, हुआ क्या था? उसने सब कुछ खर्च कर दिया था। महंगे मकान, महंगी कारें, कानूनी विवादों से रक्षा करने के लिए महंगे वकील, महंगा तलाक, नशे और शराब के महंगे पुनर्वास क्लिनिक। जब मैं लिख रहा हूँ तो स्ट्रॉबेरी को बेसबॉल खेलने से निलंबित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि उसके पास कोई आमदनी नहीं आ रही है, जो एकमात्र चीज़
अभी आ रही है वे हैं बिल, और बिल हर दिन हर महीने उसी तरह लगातार आ रहे हैं जिस तरह मानसून में बारिश आती है। मिलेनियर कैसे बने, दूसरी कहानी का अंत काफ़ी अलग है। यह छोटे कस्बे में रहने वाली मार्गरेट ओ डानेल नामक टीचर की कहानी है। इस कहानी से यह साबित होता है कि बड़ी पाइपलाइनें बनाने के लिए आपको बड़ी बाल्टियाँ ढोने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमती ओ डानेल ने 50 साल से ज़्यादा समय तक स्कूल में पढ़ाया। जब 70 की उम्र के बाद वह रिटायर हुई तो वह हर साल लगभग $8,500 कमा रही थी, लेकिन 100 वर्ष की उम्र में अपनी मृत्यु के समय वह 10 अलग अलग परोपकारी संस्थाओं को लगभग $2 मिलियन छोड़कर गई, जिसमें उनका चर्च, उनकी पढ़ाई कराने वाले स्कूल और बॉय स्काउट ट्रूप शामिल थे। $10,000 प्रति वर्ष से भी कम आमदनी वाली महिला इतनी भारी दौलत कैसे इकट्ठा कर सकती थी? आसान है, उसने अच्छे शेयरों में नियमित मासिक निवेश करके दीर्घकालीन निवेश पाइपलाइन बनाई और इसे समय के साथ चक्रवृद्धि होने दिया। मार्गरेट को शेयरों में मज़ा आता था। उसने ब्रोकर बॉब बोलास्के ने कहा, पहली बार जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मेरी डेस्क पर 3 कागज फेंक कर कहा था, मैं इन कुत्तों के साथ क्या करूँ। वे उन शेयरों के बारे में बोल रही थी जो अच्छे नहीं चल रहे थे। अगले 20 साल तक मार्गरेट का पोर्टफोलियो फलता फूलता रहा। इसमें ब्लू चिप शेयरों, कर मुक्त बांड और यूटिलिटी स्टॉक्स का संग्रह शामिल था जो मृत्यु तक उनके पास रहा। उन्होंने अपने किसी भी निवेश को शायद ही कभी छुआ, लेकिन वो अपनी रिटायरमेंट पाइपलाइन को 7-10 साल बनाने में जुटी रही। छोटे त्याग, बड़े परिणाम। अब अगर आप यह सोच रहे हो कि मार्गरेट उन पाई पाई बचाने वाली कुंवारी महिलाओं जैसी थी जो कूपन काटती है और उपयोग किए हुए टी बैग बचाती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। वह प्रायः सहेलियों के साथ बाहर खाना खाने जाती थी, नई बुइक चलाती थी और प्रायः लंबी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए विमान से यूरोप जाती रहती थी। इस महिला ने खुद को जीवन के आनंदों से वंचित नहीं किया, लेकिन उन्होंने खर्च में अनुशासन और संयम का परिचय दिया। उसने हर महीने बचत की, हर महीने निवेश किया रिटायरमेंट के बाद भी। देखिए, मार्गरेट दीर्घकालीन पाइपलाइन निर्माता का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने 20 की उम्र के बाद ही बचत और निवेश शुरू कर दिया था और वह 100 साल की उम्र में अपनी मृत्यु तक यही करती रही। जैसा आप आगे दिए अध्याय में सीखेंगे, पाइपलाइन समय के साथ बड़ी और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अपनी पाइपलाइनों को बढ़ाएं। पाब्लो की तरह पाइपलाइन निर्माताओं को पहले कुछ दिनों, महीनों या वर्षों में अपने प्रयासों के ज़्यादा फल नहीं दिखते हैं, लेकिन समय के साथ निरंतर और अनुशासित प्रयास छोटे छोटे योगदानों को भारी लाभ में बदल सकते हैं। पाइपलाइनें तब भी पानी लाती हैं जब बाल्टियाँ सूख जाती हैं। अब आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। जब मैंने पाइपलाइन की शक्ति के बारे में बात की थी, डेरिल स्ट्रॉबेरी वर्षों तक एक बड़ी बाल्टी ढोते रहे, लेकिन आज उसके पास दिखाने के लिए क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ कैंसल्ड चेकों के बक्से। स्ट्रॉबेरी के पास पाइपलाइन बनाने के लिए 20 साल थे। अगर उसने अपनी सिर्फ 10% आमदनी बचाई होती और शेयर बाजार में निवेश करके पाइपलाइन बना ली होती, तो आज उसके पास $20 मिलियन और $100 मिलियन के बीच के जीवन की डोर होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। स्ट्रॉबेरी यह मानकर चल रहा था कि उसकी बड़ी बाल्टी कभी नहीं सूखेगी, यह बहुत बड़ा मुगालता था। गलत धारणा थी। बाल्टियाँ खुद ब खुद नहीं भरती है, चाहे वे कितनी ही बड़ी क्यों न हो। इसलिए बाल्टी ढोने वालों को इसे दोबारा भरने के लिए नदी तक जाना होता है। जब वह ढोना छोड़ देता है रिटायरमेंट की वजह से या बीमारी से या चोट से या दीर्घकालीन थकान की वजह से, तो बाल्टी सूखने लगती है। दूसरी ओर पाइपलाइनें बाल्टियों के सूखने के लंबे समय बाद भी मुनाफा देती रहती है। यह नियम बड़ी बाल्टी ढोने वालों के लिए भी उतना ही सच है जितना कि छोटी बाल्टी ढोने वालों के लिए है। जैसा मैंने कहा है, बाल्टी का आकार महत्वपूर्ण नहीं होता है। बड़ी बाल्टी वाले लोगों में ज़्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति होती है। वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी यह है कि पाइपलाइन निर्माता की मानसिकता अपनाएं और फिर अपनी पाइपलाइन योजना पर काम करें। बाल्टी जितनी ज़्यादा छोटी होती है, पाइपलाइन की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा होती है।
ढेर सारे पैसे कमाना वित्तीय स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है, यह सिर्फ पाइपलाइनों से ही संभव है। अगर आप पाइपलाइन रणनीति नहीं अपनाते हैं तो आपकी बाल्टी अंततः सूख जाएगी। मैंने आपको डेरिल स्ट्रॉबेरी की कहानी एक बिंदु को अतिरंजित करने के लिए बताई है। देखिए, अगर डेरिल स्ट्रॉबेरी की इतनी बड़ी बाल्टी सूख सकती है तो आपकी बाल्टी का क्या होगा? इस बारे में सोचें। स्ट्रॉबेरी एक वेतन से दूसरे वेतन तक जीता था, आपकी स्थिति कैसी है? स्ट्रॉबेरी ने इस तरह का काम किया था मानो उसके बाल्टी ढोने वाले दिन कभी खत्म नहीं होंगे। आपकी स्थिति कैसी है? स्ट्रॉबेरी ने मूर्खता से पैसा खर्च किया और समय बर्बाद किया, जबकि वह इसका समझदारी से इस्तेमाल करके जीवन की डोर बना सकता था। आपकी स्थिति कैसी है? निश्चित रूप से स्ट्रॉबेरी ने कुछ बुरे विकल्प चुने जिनकी वजह से उसके बहुत सारे पैसे बर्बाद हुए, लेकिन उसका सबसे बुरा वित्तीय चुनाव यह था कि उसने कभी पाइपलाइन बनाने की कोशिश नहीं की। यह अच्छा में है वह सोच क्या रहा था। दूसरी ओर मार्गरेट ओ डानेल जब बाल्टी ढो रही थी तब उसने समझदारी से पाइपलाइनें बना ली। जब उसके बाल्टी ढोने वाले दिन खत्म हुए तब भी उसकी पाइपलाइनें काम करती रही और पैसा बहकर उसके पास आता रहा। अब चुनने की आपकी बारी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप किसके जैसी आर्थिक स्थिति चाहेंगे, डेरिल स्ट्रॉबेरी की या मार्गरेट ओ डानेल की? अगर जवाब मार्गरेट ओ डानेल है तो आपको तुरंत ही अपनी पाइपलाइनें बनाना शुरू करने की ज़रूरत है। पाइपलाइनें जीवन की डोर इसलिए है क्योंकि वे लगातार खुद ब खुद काम करती रहती हैं। उन्हें समय समय पर देखभाल की ज़रूरत हो सकती है और मरम्मत की, शायद दोबारा बनाने की भी, लेकिन पाइपलाइनें साल दर साल आपको मुनाफा देती रहती हैं। संयोग नहीं बल्कि आपको विकल्पों से आपकी किस्मत तय होती है। डेरिल स्ट्रॉबेरी और मार्गरेट ओ डानेल के पास एक विकल्प था। डेरिल स्ट्रॉबेरी ने बाल्टियों को चुना, मार्गरेट ओ डानेल ने पाइपलाइनों को चुना। उन्होंने अपने विकल्प चुन लिए। अब विकल्प चुनने की आपकी बारी है। अध्याय 4, लिवरेज पाइपलाइन के पीछे की शक्ति। एक बार जब पाइपलाइन पूरी हो गई तो पाब्लो को बाल्टी ढोकर पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। पानी बहता रहता था चाहे वह काम करे न करे। यह तभी बहता था जब वह खाना खाता था, यह तब भी बहता था जब वह सोता था, यह वीकेंड पर भी बहता रहता था जब वह खेलता था। गांव में जितना ज़्यादा पानी बहकर आता था उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर पाब्लो की जेब में आ जाता था। द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन से। लीवरेज एक जबरदस्त अवधारणा है, सभ्यता को बदलने वाली अवधारणा। वास्तव में लीवरेज के बिना इस समय पुस्तक अपने हाथों में नहीं होती। मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दें। 1440 में योहानस गुटेनबर्ग नामक एक युवा जर्मन उद्यमी ने वाइन प्रेस को विश्व की पहली वाणिज्यिक प्रिंटिंग प्रेस में बदल दिया। उन्होंने गुटेनबर्ग बाइबल की 180 प्रतियां छापी और कुछ ही दिनों में वे सभी बिक गईं। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस तुरंत सफल हो गई। कुछ ही दशकों में पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेसें कुकुरमुत्तों की तरह उग गई। 16वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में 80 लाख पुस्तकें छप चुकी थीं, जो पिछले हजारों सालों में प्रकाशित पुस्तकों से 10 गुना ज़्यादा संख्या थी। बाल्टी ढोने वालों की पुस्तकें बनाम पाइपलाइन निर्माताओं की पुस्तकें। गुटेनबर्ग प्रेस ने बाल्टियां ढोने वालों की पुस्तकों के पैराडाइम को तोड़ दिया। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले लेखक और मठवासी पुस्तकों की हाथ से नकल करते थे। हाथ से लिखकर पुस्तक तैयार करने में एक या कई साल लग सकते थे। इसके अलावा वे इतनी महंगी होती थी कि सिर्फ राजघराने उन्हें खरीद सकते थे। गुटेनबर्ग ने इन सबको बदल दिया। प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटर जब एक बार मूवेबल टाइप सेट कर देता था तो इसके बाद वह आसानी से हजारों हूबहू प्रतियां छाप सकता था। प्रिंटिंग प्रेस ने प्रिंटर के समय और धन की लिवरेजिंग करके उसकी उत्पादकता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। बाल्टी ढोने वालों के पुस्तकों के मॉडल में प्रयास और परिणाम के बीच एक एक का अनुपात होता है। एक घंटे के प्रयास से एक घंटे का परिणाम उत्पन्न होता है। अगर किसी लेखक को हाथ से एक पेज नकल करने में एक दिन लगता है तो 100 पेज की पुस्तक लिखने में उसे 100 दिन लगेंगे। प्रिंटिंग प्रेस का आगमन। पाइपलाइन बनाने वाला मॉडल, आइए मान लेते हैं कि 16वीं सदी के प्रिंटर को एक पेज की टाइप सेटिंग करने में एक दिन लगता है।
तो दिन खत्म होने तक वह केवल एक प्रिंटर प्रूफ कॉपी तैयार कर सकता है। लेकिन जरा देखें कि दूसरे दिन क्या हुआ। प्रिंटर काम पर आया और उसने 100 प्रतियां छाप दी। दूसरे शब्दों में प्रिंटर 2 ही दिनों में इतना उत्पादन कर सकता है जिसमें लेखक को 100 दिन का समय लग जाता है। यही लीवरेज की शक्ति है। पाइपलाइन निर्माता मॉडल में प्रयास और परिणाम का आपसी अनुपात अब 1:1 का नहीं रह जाता है। जब हम लीवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो प्रयास उतना ही रहता है लेकिन परिणाम 100 गुना ज़्यादा हो सकता है, 1000 गुना भी या मिलियनों गुना भी। 2 प्रकार का लीवरेज, समय और धन। लीवरेज का मूल शब्द लीवर एक पुराने फ्रांसीसी शब्द से आया है जिसका मतलब है ज़्यादा हल्का बनाना, जो लीवरेज की शक्ति का सही वर्णन है। लीवर का उपयोग करके किसी बड़े बोझ को इतना हल्का बनाया जा सकता है कि कोई बच्चा भी इसे आसानी से हिला सकता है। जब हम समय और धन के क्षेत्र में लीवरेज के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं तो यही चीज़ होती है, परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर समय की लीवरेजिंग के प्रकरण में 1 घंटे के प्रयास का परिणाम 100 घंटों का उत्पादन हो सकता है। 1 सप्ताह के काम का परिणाम 1 साल का उत्पादन हो सकता है। पैसे की लीवरेजिंग के प्रकरण में हर निवेशित डॉलर समय के साथ चक्रवृद्धि हो सकता है और अंततः शुरुआती निवेश से कई गुना हो सकता है। लीवरेज के आदर्श उदाहरण। प्रिंटिंग प्रेस इस बात का उदाहरण है कि लोग अपने समय, धन और प्रयासों की लीवरेजिंग कैसे कर सकते हैं। लीवरेज पैसे की एक इकाई के बदले समय की एक इकाई के समीकरण को तोड़ देता है। लीवरेज लोगों को ज़्यादा मेहनत के बजाय ज़्यादा चतुराई से काम करने की अनुमति देता है। यही हर पाइपलाइन के पीछे की शक्ति है। समय की लीवरेजिंग का आदर्श उदाहरण कर्मचारियों को नियुक्त करना है। आइए मान लेते हैं कि आप एक रेस्तरां खोलना चाहते हैं। आपके लिए यह संभव नहीं है कि आप मेज़बान, वेटर, शेफ, बर्तन धोने वाले और बुककीपर के रूप में काम करें और इसके बावजूद एक लाभदायक व्यवसाय चलाएं। आप एक समय में सिर्फ एक ही जगह पर रह सकते हैं, इसलिए आप निश्चित काम करने के लिए लोगों को नौकरी पर रखते हैं। यदि आप अपने 10 लोगों के स्टाफ को प्रति घंटे औसतन $10 देते हैं तो आप प्रति घंटे $100 वेतन में दे रहे हैं। यदि आपका रेस्टोरेंट प्रति घंटे औसतन $1000 कमाता है तो खर्च निकालने के बाद सारा पैसा आपकी जेब में जाता है। पैसे की लीवरेजिंग का आदर्श उदाहरण शेयर बाजार में निवेश करना है। निसंदेह अपने वॉरेन बफे के बारे में सुना होगा। वे वॉल स्ट्रीट की एक जीवित किंवदंती और संसार के दूसरे या तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं। उन्होंने अपनी दौलत पुरातन पंथी तरीके से बनाई है। उन्होंने दूसरे लोगों के पैसे की लीवरेजिंग की और इस प्रक्रिया में खुद को तथा अपने निवेशकों को अमीर बना दिया। कितने अमीर, इसकी जांच कर ले। यदि आप 1965 में बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे के शेयरों में $10,000 का निवेश करते और इसे साल दर साल बढ़ने देते तो 1998 तक आपके निवेश का मूल्य अपने दिल को संभालने $51 मिलियन होता। वाह, आप इस पाइपलाइन के मालिक बनना कितना ज़्यादा पसंद करते। 35 साल पहले बर्कशायर हैथवे का एक शेयर सिर्फ $19 में मिलता था। 1998 के अंत तक वह एक शेयर $70,000 में मिलता है, जिसका मतलब है कि आप अगर 1965 में $300 का निवेश करते तो आज आप $1 मिलियन के मालिक होते। अविश्वसनीय। पाइपलाइनें बनाने लायक हैं। अब क्या आप लीवरेज की शक्ति को समझ गए हैं? बर्कशायर हैथवे का शेयर इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि लीवरेज की बदौलत प्रयास के अनुपात में बहुत भारी परिणाम मिलते हैं। इस बारे में सोचें, 1965 में $300 इकट्ठे करने में कितना प्रयास करना पड़ता। 2 या 3 दिन तक काम, ज़्यादा से ज़्यादा शायद 1 सप्ताह का काम। जरा कल्पना करें, एक बार $300 का निवेश करने के बाद आपको कोई काम नहीं करना पड़ता क्योंकि आपकी पाइपलाइनें पहले ही बन चुकी थी। आपको बस कभी कभार अखबार में शेयर के भाव देखने का काम जरूर करना था। खुद से पूछें, क्या यह बेहतरीन नहीं होता अगर आप उंगली उठाए बिना भी $300 को $1 मिलियन में बदल सकते? क्या
आप देख सकते हैं कि लीवरेज का समझदारी भरा इस्तेमाल किस तरह थोड़े से पैसे या थोड़े से समय को 1000 गुना बढ़ा सकता है। क्या ऐसी प्रणाली खोजने में समझदारी नज़र नहीं आती जिसके जरिए आप $1 को $100 में बदल सकते या 1 घंटे को 100 घंटों में? क्या यह बेहतरीन नहीं रहेगा कि आप एक बार काम करें और बाकी का काम लीवरेज को करने दें? दोस्तों, अगर आप लीवरेज के लाभों का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको भी वह करने की ज़रूरत है कि पाब्लो और वारेन बफे जैसे पाइपलाइन निर्माताओं ने किया। अपने समय और धन की लीवरेजिंग करने की प्रणाली आज ही खोजें और आने वाले कल में एक बड़े पुरस्कार का आनंद लें। अध्याय 5, पैसे का लीवरेज, पाम बीच पाइपलाइन। जरा सोचो, पाब्लो ने आगे कहा, हम उन पाइपलाइनों से गुजरने वाले 1 गैलन पानी के बदले में थोड़े पैसे ले सकते हैं। पाइपलाइनों से जितना ज़्यादा पानी बहेगा हमारी जेब में भी उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर आ जाएगा। मैंने जो पाइपलाइन बनाई है वह सपने का अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन से एक कहानी है कि चीन का एक प्राचीन सम्राट शतरंज नामक एक नए खेल में प्रेम करने लगा। सम्राट ने शतरंज ईजाद करने वाले को पुरस्कार देने का निर्णय लिया। उसने आविष्कारक को शाही महल में तलब किया और अदालत के सामने घोषणा की कि आविष्कार की एक इच्छा पूरी की जाए। मैं सम्मानित हूँ महामहिम, आविष्कारक विनम्रता से बुदबुदाया, मेरी इच्छा यह है कि आप मुझे चावल का एक दाना दे दें। बस चावल का एक दाना? हैरान सम्राट ने पूछा। देखिए, शतरंज की बिसात के पहले चौखाने के लिए सिर्फ एक दाना, आविष्कारक ने कहा। फिर दूसरे चौखाने के लिए उसे दोगुना करके 2 दाने कर दें, तीसरे चौखाने के लिए 4 दाने, और तब तक जब तक कि चावल का अकेला दाना शतरंज की बिसात के सभी चौखानों में दोगुना हो जाए, बस मेरी इतनी ही इच्छा है। सम्राट बहुत खुश हुआ। मुझे इतने सस्ते में इतना अद्भुत खेल मिल रहा है, मेरे पूर्वज आज मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। मंजूर है, सम्राट चिल्लाया, शतरंज की बिसात बिछाओ और यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को हमारे अनुबंध का गवाह बनने दो। पूरा दरबार शतरंज की बिसात के चारों ओर इकट्ठा हो गया। रसोई का सेवक चावल का आधा किलो का थैला लेकर आया और इसे आविष्कारक को थमा दिया। आविष्कारक बैग को खोलते समय मुस्कुराया। आविष्कारक ने सेवक से कहा, मेरा सुझाव है कि आप किचन जाकर थोड़ा ज़्यादा बड़ा थैला लाएं। यह सुनकर पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। सबको लगा कि वह मजाक कर रहा था। इसके बाद आविष्कारक बोर्ड पर चावल के दाने रखने लगा और दानों की संख्या दोगुनी करता गया। देखने वाले हंसे और एक दूसरे को टहोका लगाया। जब 8 चौखाने की पहली कतार भरी गई, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 दाने, लेकिन खीखी जल्दी ही दूसरी कतार के बीच तक ऊ आ में बदल गई, क्योंकि चावल के छोटे ढेर जल्दी ही दोगुने होकर छोटे थैले में बदल गए, जो दोगुने होकर चावल के मध्यमाकार के थैले हो गए, जो दोगुने होकर चावल के बड़े थैले बन गए। दूसरी कतार के अंत तक सम्राट समझ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आविष्कारक को देने वाले कुल दानों की संख्या 32,768 हो गई थी, जबकि अभी 48 चौखाने बचे हुए थे। सम्राट ने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया और देश के सबसे समझदार गणितज्ञों को बुलाया। उन्होंने अपने अबाकस का सहारा लिया और स्लेट बोर्ड पर फटाफट निशान बनाए। काफ़ी माथापच्ची के बाद गणितज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुँचे, अगर चावल का एक दाना 64 खानों वाली शतरंज की बिसात के हर चौखाने पर दोगुना होता है तो आखिरी चौखाने में कुल 18 ट्रिलियन चावल के दाने होंगे, जो संसार में उपलब्ध कुल चावल का 10 गुना है। सम्राट ने यह काम रोककर आविष्कारक के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे वह इनकार नहीं कर सकता था। अगर आविष्कारक सम्राट को उसके वादे से मुक्त कर देता है तो आविष्कारक को देहात में एक जायदाद दे दी जाएगी जिसमें 100 एकड़ उपजाऊ चावल के खेत थे।
आविष्कारक खुशी खुशी मान गया। हर किसी ने आविष्कारक के नाम पर जाम पिया और उसकी बुद्धिमत्ता तथा चतुराई की सराहना की। फिर वह खुशी खुशी अपनी जायदाद में ठाट से रहने चला गया तथा कई कई साल तक सुखपूर्वक जिया। दोगुना करने की अवधारणा, संसार का आठवां चमत्कार। सम्राट और आविष्कारक की कहानी हमें बताती है कि दोगुना करने की अवधारणा में कितनी शक्ति होती है। यह अवधारणा तब से मौजूद है जब से पहले बैंक ने किसी जमा पूंजी पर पहले दौलतमंद व्यापारी को ब्याज दिया था, इसलिए यह अवधारणा समय के इम्तिहान में खरी उतरी और साबित हो चुकी है। आविष्कारक और सम्राट के गणितज्ञ संभवतः पहले लोग थे जिन्होंने डुप्लीकेशन यानी दोगुना करने की शक्ति को पहचाना, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसा करने वाले आखिरी लोग नहीं थे। सदियों बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन नामक एक और मशहूर गणितज्ञ ने डुप्लीकेशन या चक्रवृद्धि की जबरदस्त शक्ति को पहचाना और इसे संसार का आठवां चमत्कार कहा। दोगुने की अवधारणा दौलत निर्माण की उत्तम आधारशिला है। मैं इसे पाम बीच पाइपलाइन कहता हूँ। यह नाम फ्लोरिडा की वैभवशाली जगह का है जहाँ संसार के सैकड़ों सबसे अमीर वारिस अटलांटिक महासागर के निकट की जायदादों के स्वामी हैं। पाम बीच में अमीर लोगों को पैसे की खातिर काम नहीं करना पड़ता, वे पैसे से अपनी खातिर काम कराते हैं। कैसे? वे विरासत में मिली भारी दौलत का निवेश पाइपलाइनों में कर देते हैं जो हर साल भारी मुनाफा देती रहती है। चाहे निवेशक काम करे या न करे, पाम बीच पाइपलाइनों को दोगुने की अवधारणा से ईंधन मिलता है। इसका मतलब है कि खुशकिस्मत वारिस विलासी जीवन शैली का आनंद ले सकते हैं और इसके बावजूद ज़्यादा अमीर बन सकते हैं, यानी कि खाओ भी और अपने पास रखो भी। 72 का नियम, अमीरों का नियम। अमीर लोग ज़्यादा अमीर कैसे बनते हैं, यह समझने के लिए 72 के नियम पर नज़र डालें। यह दौलत बनाने वाली विलक्षण अवधारणा है जिसे विश्व के शीर्ष निवेश ब्रोकर अपने अमीर ग्राहकों को सिखाते हैं। 72 का नियम, यह हिसाब लगाने का आसान फार्मूला है कि कोई निवेश कितने सालों में दोगुना होगा। यह इस तरह काम करता है, दोगुना करने की अवधारणा का 72 का नियम। अपने निवेश पर वार्षिक ब्याज दर का पता लगाएं, 72 में से ब्याज दर को विभाजित करें। परिणाम से आपको पता चल जाएगा कि आपका निवेश कितने सालों में दोगुना होगा। मिसाल के तौर पर आइए मान लेते हैं कि एक वारिस किसी स्टॉक में $100,000 का निवेश करता है जो प्रतिवर्ष 10% मुनाफा देता है। यहाँ 72 के नियम का उदाहरण देखिए। 72 के नियम का उदाहरण, कदम एक, $100,000 का मूल निवेश। कदम दो, 10% वार्षिक प्रतिफल। कदम तीन, 72 में 10 का भाग दे दें जिससे 7.2 वर्ष आएगा। प्रतिफल $100,000, 7.2 वर्षों में $200,000 बन जाएंगे। यदि वारिस मुनाफे या मूलधन को खर्च नहीं करता है तो $100,000 का मूल निवेश 7.2 वर्षों में दोगुना होकर $200,000 हो जाएगा। 14.4 वर्षों में $400,000, 21.6 वर्षों में $800,000 और 28.8 वर्षों में $1.6 मिलियन आदि। जैसा आप देख सकते हैं, पैसे को जितने ज़्यादा समय तक चक्रवृद्धि होने दिया जाता है, पाइपलाइन का आकार उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। चक्रवृद्धि की शक्ति की लिवरेजिंग करके जो लोग विरासत में $1 मिलियन की संपत्ति पाते हैं, वे सही ढंग से जी सकते हैं और अपने बच्चों के लिए उससे भी ज़्यादा संपत्ति छोड़ सकते हैं। चक्रवृद्धि का जादू ही वह कारण है जिसकी बदौलत केनेडी, ड्यूपॉन्ट, फायरस्टोन, फोर्ड, रॉकेफेलर और गेटी नामक हजारों वारिस जिन जीवन भर विलासिता में जिएंगे, फिर भी उनकी दौलत कभी नहीं सूखेगी। वास्तव में उनकी बाल्टी कभी नहीं सूखती है क्योंकि पाइपलाइन दशकों तक लगातार काम करती रहती है। यह जैसे यूरोप में रॉथचाइल्ड वारिसों के मामले में है, 2 सदियों से ज़्यादा समय से। संतान और पैसा, सौभाग्य से पैसे के लिवरेजिंग वाली पाइपलाइनें केवल अमीर लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, सामान्य लोग भी दोगुने की अवधारणा का लाभ ले सकते हैं। जैसा हम मार्गरेट ओ'डोनेल के उदाहरण से जानते हैं,
कम वेतन वाली स्कूल टीचर जिन्होंने शेयर बाजार में अपने पैसे की लिवरेजिंग करके कई मिलियन डॉलर जमा कर लिए थे, तो सामान्य लोग अपने पैसे की लिवरेजिंग करके दीर्घकालीन पाइपलाइन कैसे बना सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका आपको माइकल जे सल्स की किड्स एंड मनी नामक शक्तिशाली छोटी पुस्तक के बारे में बताना है। वास्तव में इस पुस्तक को पीपल एंड मनी शीर्षक दिया जा सकता है, क्योंकि सल्स के बताए सिद्धांत बच्चों और बुजुर्गों दोनों पर लागू होते हैं। वॉल स्ट्रीट के पूर्व ब्रोकर सल्स 4 संतानों के पिता हैं। वह सलाह देते हैं कि बच्चों को ज़्यादा जिम्मेदारी से पैसे का प्रबंधन करना सिखाने के लिए एक आसान सिस्टम पर चलना चाहिए। वे यह सुझाव देते हैं कि अभिभावक प्लास्टिक के 3 जार लें, वे पहले जार पर खर्च करें और दान दें, लेबल लगाएं, दूसरे जार पर बचाएं लिखें और तीसरे जार पर निवेश करें लिखें। जब माता पिता अपने बच्चों को सप्ताह के लिए उनका जेब खर्च दें तो वे पैसे को 3 जारों में बराबर बराबर बांट दें। खर्च करें और दान दें जार तुरंत खर्च के लिए है, बबल गम, बेसबॉल कार्ड आदि। यही वह पैसा है जो दान और परोपकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बचत करें जार ज़्यादा बड़ी चीज़ों का खर्च करने के लिए होता है, जैसे नई सीडी या वीडियो गेम। निवेश करें जार पहले 2 जारों से अलग होता है, क्योंकि यह खर्च करने के लिए नहीं होता कभी भी। सल्स इस जार के बारे में कहते हैं सबसे अहम घटक, क्योंकि अगर हम किसी बुरे दिन के लिए कुछ नहीं बचाएंगे तो कर्ज का जोखिम हमारे सिर के ऊपर हमेशा मंडराता रहेगा। जो वयस्क दीर्घकालीन निवेश पाइपलाइनें बनाने के बारे में गंभीर है, उन्होंने 3 जार के सिस्टम के अनुसार अपने पैसों का प्रबंधन शुरू करना चाहिए, लेकिन उन्हें अपना पैसा जार में रखने के बजाय बैंक और ब्रोकरेज खातों में रखना चाहिए। वयस्क और पैसे का सिस्टम। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। अमीर लोगों की तरह अपने पैसे की लिवरेजिंग करने की कुंजी का एक आसान उपाय है, हर महीने सबसे पहले नियम से निवेश खातों में पैसे डालकर खुद को पैसे दें और फिर उस पैसे को चक्रवृद्धि होने के लिए छोड़ दें। अपनी निवेश पाइपलाइन में पैसे डालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर महीने अपनी आमदनी की बाल्टी में से थोड़ा पैसा निकालें और इसे अपनी पाइपलाइन में जमा कर दें। सामान्य लोग किस तरह मिलेनियर बनते हैं। बड़ी बुरी बात थी कि हम अमीर अभिभावक चुनने में सक्षम नहीं थे। अगर ऐसा होता तो हमें अनिवार्य बचत योजनाओं और वेतन की स्वचालित कटौतियों की चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका के बहुसंख्यक मिलेनियरों को दौलत विरासत में नहीं मिली थी। आंकड़े बताते हैं कि 5 में से 4 मिलेनियरों को $10,000 से ज़्यादा की विरासत नसीब नहीं हुई थी। मिलेनियर बनने के लिए उन्होंने तो बस राकेफेलर और कैनेडी की निवेश रणनीतियों की नकल की थी। संक्षेप में कहा जाए, स्वनिर्मित मिलेनियरों ने अपनी पाम बीच पाइपलाइनें बनाने के लिए अपने पैसे की लिवरेजिंग की। कैसे? 3 जार के तंत्र का इस्तेमाल करके। वे अपनी पूरी आमदनी खर्च करने के बजाय उसका एक बड़ा हिस्सा निवेश जार में अलग रख देते हैं और इसे साल दर साल चक्रवृद्धि होने देते हैं। आमतौर पर मिलेनियर अपनी सकल आमदनी का 15 से 20% हिस्सा बचाते हैं। वे इसे समझदारी से संपत्ति बनाने वाली पाइपलाइनों में निवेश करते हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, व्यवसाय, किराए की जायदाद, कमर्शियल रियल इस्टेट, पेंशन फंड आदि। इसलिए ज़्यादातर मिलेनियर 50-60 की उम्र तक मिलियन डॉलर की लकीर नहीं छुपाते हैं। चक्रवृद्धि को तेज़ रफ्तार पकड़ने में दशकों लग सकते हैं। $10,000 10% मुनाफे पर 7 साल बाद दोगुने होकर $20,000 हो जाते हैं, लेकिन 50 साल में ये 7 बार दोगुने होंगे और लगभग $1.3 मिलियन बन जाएंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको लिवरेजिंग करने के लिए क्या करना होगा? क्या मिलेनियर बनना बेहतरीन नहीं होगा? आप जानते हैं, आप बन सकते हैं और ऐसा करने के लिए आपकी लॉटरी लगने की ज़रूरत नहीं है। मिलेनियर क्लब कभी बहुत
खासम खास हुआ करता था। आपको सही परिवार में पैदा होना होता था, सही स्कूलों में जाना होता था। अब ये शर्तें नहीं रह गई हैं। आज सामान्य लोग भी मिलेनियर क्लब में शामिल हो सकते हैं। यह हर व्यक्ति के लिए खुला है जिसमें इतना अनुशासन है कि वह अपनी आमदनी का एक नियमित हिस्सा निवेश करे और समय के साथ इसे चक्रवृद्धि होने दे। लेकिन आइए सच का सामना करते हैं, हर व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट पाइपलाइन बनाने में 40-50 साल तक धैर्य नहीं रख सकता है, और रातों रात पाम बीच पाइपलाइन बनाने के लिए हर एक के पास पैसा भी नहीं होता है। क्या यह बेहतरीन नहीं रहेगा अगर कोई 5 साल की पाइपलाइन योजना हो जिससे सामान्य लोग ज़्यादा पैसों का निवेश किए बिना निरंतर अतिरिक्त आमदनी हासिल कर सकें। देखिए, 5 साल की पाइपलाइन योजना भी मौजूद है। सबसे अच्छी बात यह पाइपलाइन बनाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने पैसों की लिवरेजिंग करने के बजाय आप अपने समय की लिवरेजिंग करते हैं। अध्याय 6, समय का लिवरेज, लोगों की पाइपलाइन। जब ब्रूनो शाम को और वीकेंड में अपने जालीदार झूले में लेटा रहता था, तब पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। पहले कुछ महीनों में तो पाब्लो की मेहनत का कोई फल नहीं दिख रहा था। काम मुश्किल था, ब्रूनो के काम से भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि पाब्लो शाम को और वीकेंड में भी काम कर रहा था। लेकिन पाब्लो खुद को बार बार याद दिलाता था कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। हर दिन वह खुदाई करता रहा, एक बार में 1 इंच द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन से। एक पुरानी अपलासियन अभिव्यक्ति है जो पैसे के लीवरेज और समय के लीवरेज के फर्क का सार बताती है। यह इस तरह है, बलूत के किसी विशाल पेड़ के ऊपर पहुंचने के 2 तरीके हैं। आप इसके बीज पर बैठ जाते हैं और इसके पेड़ बनने का इंतज़ार करते हैं, या फिर आप इस पेड़ पर चढ़ सकते हैं। जब लोग पाइपलाइन बनाने के लिए दशकों तक अपने पैसे की लीवरेजिंग करते हैं तो वे बीज पर बैठकर इंतज़ार करने का विकल्प चुन रहे हैं। मैं इसे 50 साल की पाइपलाइन योजना कहता हूँ। चक्रवृद्धि इसी का नाम है, धैर्यपूर्वक इंतजार करना। जब आपका पैसा वर्षों तक बार बार दोगुना होता रहे, इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि 50 साल की पाइपलाइन योजना कारगर है। याद रखें कि मार्गरेट ओ डानेल की पाइपलाइन ने उसे कम वेतन वाली टीचर से मल्टी मिलेनियर बना दिया। मार्गरेट ओ डानेल की तरह ही मैं भी दीर्घकालीन पाइपलाइन बनाने में बहुत विश्वास रखता हूँ। इतने वर्षों से मैंने पाम बीच पाइपलाइनें बनाने में अपनी आमदनी के एक हिस्से की लिवरेजिंग की है, जिनमें पेंशन फंड से, शेयर बाजार से, IRA से, रियल इस्टेट तक हर चीज़ है। इसे विविधीकरण कहा जाता है, इसे जीवन की डोर बनाना भी कहा जाता है। 50 साल की पाइपलाइन योजना, CD और टी बिल्स, पेंशन फंड, शेयर और बांड, आपका घर, सोशल सिक्योरिटी, 401K, IRA, रियल इस्टेट। लेकिन मैं बलूत के ब्रिज पर चढ़ने में भी बहुत विश्वास रखता हूँ। मैं बलूत के पेड़ों पर चढ़ने को 5 साल की पाइपलाइन योजना कहता हूँ। इससे वही लक्ष्य हासिल होता है जो 50 साल की पाइपलाइन योजना से होता है, वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा। लेकिन इसमें केवल 10% समय लगता है, इसलिए मैंने कुछ तेज़ी से विकास कर रहे व्यवसाय बनाने में समय, धन और प्रयास लगाया है। पेड़ के शिखर पर पहुंचने के लिए 50 साल इंतज़ार करने के बजाय मैं ऐसा व्यवसाय बना सकता हूं जो मुझे 2 साल में 5 साल में ही वहां पहुंचा देता है। समय खेल के मैदान को समान कर देता है। समय की लिवरेजिंग की सुंदरता यह है कि हम किसी को समय की समान मात्रा दी गई है। इसका मतलब है कि समय अमीर लोगों और औसत आमदनी कमाने वालों के खेल के मैदान को समान कर देता है। चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप हों या डोनाल्ड ट्रक ड्राइवर, हर एक को हर दिन समय की समान मात्रा दी गई है। इसलिए मैं समय की लिवरेजिंग को जनता की पाइपलाइन कहता हूँ। समय हर एक को समान मात्रा में मिलता है, चाहे वे अमीर हों या गरीब हों, पुरुष हों या स्त्री हों, श्वेत हों या अश्वेत हों, कॉलेज हो शिक्षित हों या हाई स्कूल में पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले, युवा हों या वृद्ध। आप यह बात पैसे के बारे में नहीं कह सकते हैं ना। इसके बारे में इस तरह से सोचें, क्या यह बेहतरीन नहीं रहेगा अगर हर दिन की शुरुआत में आपके और
और हर दूसरे व्यक्ति के पास व्यक्तिगत बैंक खाते में $1,440 हों। पैसा आपका और सिर्फ आपका होगा, कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता कि आपको इसके साथ क्या करना है। आप इसे खर्च कर सकते हैं, इसका निवेश कर सकते हैं, इसे उड़ा सकते हैं, इसे जला सकते हैं, इसका दान दे सकते हैं, इसकी लीवरेजिंग कर सकते हैं या इसे बर्बाद कर सकते हैं, यह जानते हुए कि अगली सुबह जब आप जागेंगे तो आपके खाते में एक बार फिर से $1,440 होंगे। अगर हर व्यक्ति हर दिन की शुरुआत $1,440 से कर सके तो संसार ज़्यादा बेहतर और न्यायपूर्ण हो जाएगा ना, है ना। लेकिन जैसा हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, ऐसा नहीं होता है। पैसों के मामले में जीवन न्यायपूर्ण नहीं है। कुछ लोग अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, कुछ प्लास्टिक का चम्मच लेकर, जबकि कुछ के पास तो अपने खुद के अंगूठे के अलावा कुछ नहीं होता है। न्यायपूर्ण शायद नहीं, लेकिन जैसा एक गीत में कहा गया है, यही जीवन है। हम हर दिन $1,440 के बैंक खाते से शुरू नहीं कर सकते, यह तो पक्की बात है। जहाँ तक समय का सवाल है, यह एक अलग मसला है। हम सभी के पास हर दिन की शुरुआत में समय के खाते में 1440 मिनट होते हैं, एक दिन में 24 घंटे और हर घंटे में 60 मिनट। चूँकि हम सभी को समय की समान मात्रा मिलती है, इसलिए जो लोग वेतन से वेतन तक जीते हैं और जो लोग वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, उनमें फ़र्क बस इतना होता है कि वे अपने 1440 मिनट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप जितना सोचते हैं आपके पास उससे ज़्यादा समय है। कुछ लोग अपनी पाइपलाइनें बनाने में टाल मटोल करते रहते हैं क्योंकि हाल फिलहाल यह मेरे लिए बुरा समय है। जानते हैं, हाल फिलहाल हर एक के लिए बुरा समय है। हम सभी तनावग्रस्त हैं, हम सभी व्यस्त हैं, हम सभी अपना दामन बचाने में लगे हैं और अप्रत्याशित आपातकालीन स्थितियों से जूझ रहे हैं। इन बुरे समयों के लिए एक शब्द है, इसे जीवन कहा जाता है। कुछ लोग एक्स वाई या जेड करने के लिए आदर्श समय का इंतजार करने में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। देखिए, वे इंतज़ार करते करते मर जाएंगे क्योंकि आदर्श समय जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई आपसे कहे कि अगर आप साल में हर दिन 2 घंटे तक एक कोने में बैठकर बुनाई करें और इसके बदले में वो आपको $1,000,000 देगा, तो आप बुनाई करने के लिए समय निकाल ही लेंगे, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि खेलते समय आपके बेटे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है या आपकी कार ऑफिस के बाद चालू नहीं हुई। $1,000,000 गंवाने के बजाय आप बुनाई करने के लिए 2 घंटे का समय निकाल लेंगे, चाहे समय आदर्श हो या न हो। हास्यकार आर्ट बुकवाल्ड ने इसे इस तरह कहा है, चाहे यह सबसे अच्छा समय हो या सबसे बुरा समय हो, यह इकलौता समय है जो हमें मिला है। अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग समय का महत्व नहीं समझते हैं, खास तौर पर समय की छोटी मात्राओं का। हम मिनटों और घंटों के बजाय समय को दिनों, सप्ताहों और वर्षों में मापने के आदि होते हैं। हम सोमवार से शुक्रवार तक 9 से 5 तक काम करते हैं। हम मासिक कैलेंडर के अनुसार अपने जीवन की योजना बनाते हैं। हम अपने जन्मदिन और सालगिरह साल में एक बार मनाते हैं। लेकिन समय के बारे में अद्भुत चीज़ यह है कि हर दिन कुछ मिनट यहाँ और कुछ मिनट वहाँ मिलकर बहुत बड़े कालखंड बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या आप जानते हैं कि सामान्य व्यक्ति अपने जीवन काल में खाने में कितना समय खर्च करता है? आपका अंदाज़ा क्या है? 1 साल, 2 साल? जवाब है 6 साल। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? कुछ अन्य छोटे दैनिक काम हैं जो मिलकर भारी कालखंड बन जाते हैं। कुल समय जो हम अपने जीवन काल में छोटे दैनिक कामों में खर्च करते हैं, 6 साल खाना, 5 साल लाइन में इंतज़ार करना, 4 साल मकान साफ करना, 3 साल भोजन तैयार करना, 2 साल फ़ोन कॉल का जवाब देने की कोशिश करना, 1 साल गुम चीज़ों को खोजना, 8 महीने जंक मेल खोलना, 6 महीने लाल बत्ती पर रुकना। मेरी तालिका के अनुसार यह पूरे जीवन में लगभग 22 साल का समय है। इससे यह साबित होता है कि 15 मिनट यहाँ, आधा घंटा वहाँ, 2 घंटे वहाँ मिलकर बहुत बड़े कालखंड बन सकते हैं। कुछ घंटे कुछ महीनों में बदल सकते हैं। जरा एक पल के लिए सोचें कि हम अपने जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं।
अगर हम हर शाम को 2 घंटे और वीकेंड के दौरान कोई उद्देश्यपूर्ण चीज़ करने में समय लगाए, और जैसे पाइपलाइन बनाना, अगर आप हर कामकाजी दिन में 2 घंटे अलग रख दें, मान लेते हैं सुबह काम के पहले 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, फिर शनिवार तथा रविवार को 3 और घंटे, तो आप अपनी 1 सप्ताह की दिनचर्या में उत्पादक समय के 16 घंटे जोड़ सकते हैं। 16 घंटे 1 सप्ताह और साल में 50 सप्ताह के हिसाब से साल में कुल 800 अतिरिक्त घंटे, जिसका मतलब है 8 घंटे के 100 दिन या पूरे साल में 3 महीने और 10 दिन के कामकाजी दिन, और हर साल उत्पादक समय के 3 अतिरिक्त महीने पाने के लिए आपने हर दिन केवल 2 घंटे ही अलग रखे थे। आश्चर्यजनक है ना? समय धन है। अब मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताने जा रहा हूँ। खाली समय का उत्पादकता से इस्तेमाल करना ही इस रहस्य की कुंजी है कि सफल लोगों के पास जीवन में ज़्यादा क्यों होता है, वे ज़्यादा क्यों करते हैं और उन्हें ज़्यादा क्यों हासिल होता है। क्या आप सोचते हैं कि बिल गेट्स हर शाम को 5 बजे घर लौटते हैं और 7 घंटे तक टीवी देखते हैं, जैसा कि सामान्य अमेरिकी पुरुष करता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। वॉल स्ट्रीट जर्नल में हाल में छपा एक लेख बताता है कि उत्तर अमेरिका में शीर्ष 10% आमदनी कमाने वाले लोग सप्ताह में औसतन 52 घंटे काम करते हैं, जबकि 10% सबसे कम कमाने वाले लोग सप्ताह में केवल 45 घंटे काम करते हैं। न सिर्फ शीर्ष 10% आमदनी कमाने वाले ज़्यादा समय काम करते हैं, बल्कि वे ज़्यादा चतुराई से भी काम करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अपने समय की अदला बदली डॉलरों से नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी कन्वीनियंस स्टोर में जाएं और माइकल जॉर्डन को काउंटर के पीछे ग्राहकों को लॉटरी टिकट तथा बियर के क्वार्ट बेचते देखें। कामकाज के हर क्षेत्र में सफल लोग अपने समय को महत्व देते हैं, और वे अपने समय की लिवरेजिंग करने के हर अवसर की तलाश करते रहते हैं। बर्बाद मत करो, कभी मत रखो। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जब इस समय सब कुछ अच्छा और सही चल रहा है, तो वे पाइपलाइन बनाने में समय और प्रयास क्यों लगाएं? वे कहते हैं कि ऑफिस में मेहनत भरे दिन के बाद उन्हें आराम करने का पूरा हक है। वे सोफे पर पसर कर और सोने तक टीवी देखकर खुद को पुरस्कार देते हैं। वे मुझसे कहते हैं, जिंदगी अच्छी तरह चल रही है, अच्छी नौकरी मिली है, बैंक है, बैंक में कुछ पैसे हैं, बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे कहता हूँ कि जब चीज़ें बेहतरीन हो रही है, तभी अपनी पाइपलाइन बनाने का समय होता है। इससे बेहतर समय दूसरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो हो सकता है कि तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाए। फिर मैं उन्हें यह पुराना मजाक सुनाता हूँ। एक आदमी एक शानदार होटल की 30वीं मंजिल पर खड़ा होकर मैनहट्टन के सेंट्रल पार्क को देखना चाहता था। उसने शेड हटाए और नज़ारे का आनंद लेने के लिए खिड़की खोली। जब उसने खिड़की के बाहर झाँका, तो वह चौंक गया कि एक आदमी ऊपर से नीचे गिर रहा था और उसकी खिड़की के पास से नीचे जा रहा था। उसने गिरते आदमी से पूछा, कैसे हो? अच्छी तरह से हूँ अब तक, जवाब मिला। मुद्दे की बात यह है कि इस संसार में बहुत से बाल्टी ढोने वाले हैं जो अच्छी तरह से हैं अब तक, लेकिन वे इस मुक्त गिरने की अवस्था में हमेशा नहीं रह सकते। जब तक लोग डॉलर के बदले समय की अदला बदली करते हैं, तब तक उनके जीवन में कोई सुरक्षा जाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब वे बीमारी या चोट या छटनी की वजह से समय नहीं दे पाएंगे, तो उनका वेतन रुक जाएगा। बाल्टी ढोने वालों के लिए वेतन न मिलने का मतलब है कोई सुरक्षा नहीं। चींटी और तिलचट्टे की कहानी। जब मैं लिख रहा हूँ, तो वक्ता आत्मविश्वास काफ़ी ऊपर है, बेरोजगारी कम है, आमदनी बढ़ रही है, मकानों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर है, कारें धड़ाधड़ बिक रही है, बहुत सारे लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अब तक। लेकिन हमें अब तक को हमेशा मानने की गलती के जाल में नहीं फंसना चाहिए। हर कोई जानता है कि जीवन चक्रों में चलता है, अर्थव्यवस्था भी हाल फिलहाल कारोबारी चक्र इसके शिखर के करीब है। आपका व्यक्तिगत जीवन चक्र भी उच्चतम शिखर पर हो सकता है, लेकिन जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही होगा। और जब लोग नीचे आने लगते हैं, तो उनमें से कुछ लोग कुछ कठोर वास्तविकताओं से टकराएंगे। छटनी,
करियर में बदलाव, क्रेडिट कार्ड कर्ज, आपातकालीन बीमारियां, बुजुर्ग अभिभावकों के लिए नर्सिंग होम केयर। चतुर लोग समझते हैं कि उनके घोंसले में पंख लगाने का सबसे अच्छा समय तभी होता है जब कारोबार तेजी पर हो। चतुर लोग मंदी शुरू होने के बाद नहीं बल्कि उससे पहले ही सुरक्षा जाल बना लेते हैं। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि उनके पाइपलाइनें बनाने का सर्वश्रेष्ठ समय आज है, तब नहीं जब अर्थव्यवस्था ढलान पर फिसलने लगे। यह चींटी और तिलचट्टे के किस्से जैसी है। चींटी पाइपलाइन निर्माता थी। वह अपने गर्मी के दिनों के एक हिस्से में आने वाले जाड़ों के लिए अनाज इकट्ठा करती थी। वह गर्मी में भी आनंद लेती थी, लेकिन वह इतनी समझदार थी कि अपनी पाइपलाइन बनाने में थोड़ा समय लगाती थी। दूसरी तरफ तिलचट्टा पानी ढोने वाला था। वह पैसे मिलते ही पूरा खर्च कर देता था और अपना सारा समय धूप में खेलने में बर्बाद कर देता था। वह आने वाले जाड़े को नज़रअंदाज कर देता था। जब कपकपाने वाला जाड़ा आया तो उसके पास कोई पाइपलाइन तैयार नहीं थी और वह भूखों मर गया। मुझे अभी भुगतान दो या मुझे बाद में भुगतान दो। क्या आपको मशहूर विज्ञापन का यह वाक्य याद है, मुझे अभी भुगतान दो या मुझे बाद में भुगतान दो? यही बात पाइपलाइन बनाने के बारे में कही जा सकती है। आप आज पाइपलाइन बनाने में अपने थोड़े समय और धनराशि का निवेश करें, अभी थोड़ा भुगतान कर सकते हैं, या फिर आप जब 60 और 70 के पार हो जाते हैं तब एक छोटे सोशल सिक्योरिटी चेक पर जिंदा रहने की कोशिश करके बाद में भुगतान कर सकते हैं। ज़रा सोचें, अगर आपकी पाइपलाइनें तैयार हैं तो बाद में भुगतान करने के बजाय आपको बाद में इसका भुगतान मिलेगा। क्या विचार है? समय का लीवरेज लोगों की पाइपलाइन। याद रखें, समय खेल के मैदान को समान कर देता है। हम सभी के पास लीवरेज करने के लिए धन की समान मात्रा नहीं होती है, लेकिन हम सभी के पास समय की समान मात्रा होती है। अपनी फुर्सत के थोड़े से समय की समझदारी से लीवरेजिंग करके आप एक ऐसी पाइपलाइन बना सकते हो जो बरसों तक पैसे देती रहेगी। हम खुशकिस्मत हैं जो एक ऐसे युग में रह रहे हैं जब लगभग हर व्यक्ति पाइपलाइन बनाने के लिए अपने समय की लीवरेजिंग कर सकता है। मामला हमेशा ऐसा नहीं था। 20वीं सदी के मोड़ पर सिर्फ अमीर लोगों के पास अपने समय की लीवरेजिंग करने की विलासिता थी। 1890 में बहुसंख्यक लोग मजदूर थे और हर दिन 10 घंटे काम करते थे। वे जिंदा रहने की कोशिश में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि लीवरेज के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज ज़्यादातर लोगों के पास इतिहास के किसी भी समय की तुलना में ज़्यादा खाली समय है, और समय सबको समान करने वाला बेहतरीन साधन है। समय छोटे लोगों को बड़े लोगों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाता है। अमीर लोगों को एक दिन में 48 घंटे नहीं मिलते हैं, न ही गरीब लोगों को 12 घंटे मिलते हैं। उन दोनों को समय की समान मात्रा मिलती है। एक दिन में 24 घंटे, एक सप्ताह में 7 दिन, एक साल में 365 दिन। समय की लिवरेजिंग का इतिहास में सबसे महान साधन। आज पाइपलाइनें अमीरों को बपौती नहीं रह गई हैं। कोई भी थोड़े से समय और बहुत सारी प्रेरणा के साथ 2 से 5 साल में जनता की पाइपलाइन बनाने के लिए अपने समय की लीवरेजिंग कर सकता है जो वर्षों तक बहेंगी या शायद दशकों तक भी। वास्तव में समय की लीवरेजिंग का संसार के इतिहास में सबसे महान साधन हमारी उंगलियों पर है। इसी वक्त समय की लीवरेजिंग के इस साधन ने इतने कम समय में इतने ज़्यादा मिलेनियर उत्पन्न कर दिए हैं जितना इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मैं इस अद्भुत साधन को ई पाइपलाइन कहता हूँ और यह समय की लिवरेजिंग का परम साधन है। आप शायद ई पाइपलाइन को एक अलग नाम से जानते हैं, एक ऐसा नाम जो समाचार पत्र की सुर्खियों में रहता है और दिन में 24 घंटे टीवी स्क्रीन पर भी। वह नाम है इंटरनेट। समय की लिवरेजिंग का इतिहास का महानतम साधन 100 घंटे 1 घंटे के बराबर हो जाएगा इंटरनेट के जरिए।